गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सभी लोग आ जाइए, थोड़ा सा मैं यहाँ पॉज लेती हूँ। देख कौन कौन आ गए हैं। सभी लोग आ जाइए, एक बार कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए हेलो। शैलेश यादव हेलो, सभी लोग आ जाइए। चलिए काफी लोग आ गए हैं, अभी चार लोग आ गए हैं। हाय श्रीकांत यादव, अभी विमान हेलो, शैलेश यादव एंड सुनील कुमार, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आज हम बच्चों नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना न्यूट्रिशन, तो सभी लोग जितने आ जाएं उतना अच्छा है, और थोड़ा सा ये शेयर कर दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं वन मिनट का यहाँ पर, फिर शुरू करते हैं। और आ जाइए सभी लोग। आकाश मिश्रा हेलो, श्रीकांत यादव दो बार हेलो कर दिया। जी हाँ, आपको पहले बताइए किसने बताया कि मैं चेन्नई से हूं, अभी चेन्नई में हूं मैं। अच्छा अभी भी मैम आप डेली क्लास ले रहे हैं। अच्छा दीप चंद्रा हेलो, यस सभी को देखो जिन्होंने कोर्स परचेस किया हुआ है उन लोगों को जरूर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की भी मिल जाएगी और थ्योरी क्लासेस की भी मिल जाएगी। ठीक है, गुड इवनिंग रामवीर यादव। तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन, सभी ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा शायद। अच्छा अच्छा सभी ने इसमें इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया होगा क्योंकि एग्जाम सबको पता है नजदीक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तेजपाल शर्मा हेलो, दीप चंद्रा। YouTube वालों को देखो बच्चों, YouTube वालों को PDF नहीं मिल पाएगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप यहां पर पढ़िए और आपको अच्छा लग रहा है तो कोर्स परचेज कर लीजिए। ठीक है, उसमें क्या है ना, जैसे कि मैं सेल से रिलेटेड ही 50 क्वेश्चन आपको दे दूंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर जो होगा उसे 50 से, और डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन आस्किंग, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड हम ज्यादा क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरह का आपका वो हो जाएगा उसमें, ठीक है, रिविजन हो जाएगा। चलिए तो बच्चों देखो, अभी इमाम पता नहीं आप क्या लिख रहे हो, थोड़ा दूर है मेरे से कमेंट तो दिख नहीं रहा। अच्छा देखो बच्चों, थोड़ी सी चोट लग गई थी उस वजह से थोड़ी सी हाथ में पट्टी थी। ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं हम हमारे चैप्टर की। देखो न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, न्यूट्रिशन होता क्या है। सबसे पहले जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं और हिंदी में लिखते हैं पोषण, पोषण की जब बात करते हैं तो बच्चों पोषण से आपको क्या समझ आता है। पोषण से पोषण, दीप चंद्रा ये सर को आप कमेंट बॉक्स में डालिए बुक कैसे लें। ठीक है, अगर हम पोषण की बात करते हैं बच्चों तो क्या होता है पोषण। देखो पोषण जैसे हम खाते हैं, ठीक है, अब खा रहे हैं उसमें क्या है, आपके खाने में बहुत सारी चीजें होती है, वैरायटी ऑफ चीजें आप खाते हो, जैसे कि रोटी होती है, चावल होते हैं, दाल होते हैं, और आप फ्रूट्स खाते हो जिसमें विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं आपके खाने में जो क्या करती हैं, आपको पोषण देती है। किसको, आपकी बॉडी को, किस लिए, नरिश करने के लिए, पालन पोषण करता है वो आपका। ठीक है, अगर हम खाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली बात है हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी, हम खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारी जो एनर्जी है, अभी जैसे मैं बात कर रही हूं, मैं चल रही हूं इधर उधर, मैं हाथ हिला रही हूं, वो किस वजह से है, हम खाना खा रहे हैं इसी वजह से तो है। अगर हम खाना छोड़ देते हैं किसी वजह से तो हमारी बॉडी में बिल्कुल स्टैंड होने की भी हमारी क्षमता खत्म हो जाती है, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है,
अब मैं न्यूट्रिशन को अगर मैं परिभाषा की फॉर्म में बोलती हूं तो न्यूट्रिशन क्या करता है बच्चों, देखो न्यूट्रिशन डील करता है किससे, न्यूट्रिएंट और अदर सब्सटेंस से। कौन से सब्सटेंस से? न्यूट्रिएंट यानी पोषक पदार्थों से डील करता है जो हमारे खाने में पाए जाते हैं, ठीक है। और दैट कॉजेज मेंटेनेंस ऑफ योर आपकी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन यानी जनन के लिए जरूरी है, और किसके लिए जरूरी है बच्चों, हेल्थ के लिए, ठीक है। हेल्थ, रिप्रोडक्शन, वृद्धि, तीनों चीज आ गई उसमें, ठीक है। वृद्धि जरूरी है आपकी, जनन जरूरी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, हेल्थ जरूरी है हमारी। तो ये सब चीजें किससे आती है बच्चों, आप खाना जो खा रहे हो उसी से आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। हम जो बोल पा रहे हैं, हम जो कर पा रहे हैं, वो सब किसकी वजह से है, पोषण की वजह से, यानी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन के सभी पता है, न्यूट्रिशन के क्या है, हम खाना जब खाते हैं तो उसके 5 स्टेप होते हैं। पहला, हमने खाना खाया, ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों, हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ यानी कि पाचन हुआ उसका, ठीक है। तीसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जो खाना पचा हुआ है, जो हमारा छोटे छोटे अणुओं में जाके आपके ब्लड में मिलता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है। जो आपके न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है। एक पॉइंट आता है एसिमिलेशन। अब जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो ग्लूकोज है जैसे सपोज, तो ग्लूकोज का अणु फर्दर टूटेगा और क्या मिलेगी हमको, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और क्या होगा, बहुत सारे अनेक कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, कंपाउंड्स बनेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको कहते हैं हम एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, ठीक है। अब होता है एक्सक्रीशन, जो कि लास्ट पार्ट है। एक्सक्रीशन में बच्चों क्या होता है आपका, आपका उत्सर्जन होता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आपने खाया, जैसे कि आपने फूड खाया, ठीक है, डाइजेशन वाला पार्ट क्लियर है सबको, डाइजेस्ट हो गया, आपकी बॉडी ने ऊर्जा ले ली, आपकी बॉडी ने सभी चीजें ले ली जो आपकी बॉडी को जरूरी थी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे बच जाते हैं जिनको कहते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो वो कैसे निकल जाता है, आपकी बॉडी के थ्रू बाहर चला जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो हम आगे वाले चैप्टर में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, न्यूट्रिशन में दो चीजें होती है, क्या होती है, दो पार्ट होती है न्यूट्रिशन के। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिशन आपको समझ हो गया, अब यहां लिखिए न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक पदार्थ हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। कैसे पदार्थ है, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ मतलब जो कि आपको पोषण दे रहे हैं बॉडी को, ठीक है, क्लियर है इतना। तो एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। सभी को पता चल गया होगा मैक्रो के कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं। मैक्रो जैसे कि नाम बता रहा है, ज्यादा, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उन पदार्थों को कहते हैं मैक्रो, यानी कि बड़े न्यूट्रिएंट, ठीक है, ज्यादा मात्रा में। माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करूं तो सभी को पता होगा सबसे पहला नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर लिखते हैं हम प्रोटीन्स, प्रोटीन होता है फिर जरूरी, और हमारा फैट भी हमें बहुत जरूरी है जिसको हम लिखते हैं वसा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटीन और एक क्या हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो जितने भी कंपाउंड होंगे, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, वो सब किस में आएंगे, कार्बोहाइड्रेट ड्रेट्स में आ जाते हैं, ठीक है, सभी को समझ आ गया। अब मैं लिखती हूं मेजर में, मैं दो चीज और लिखूंगी, ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। कई बार हम लिख देते हैं डाइट्री फाइबर, ठीक है, डाइट्री फाइबर्स, ठीक है, या सिंपली लिखिए फाइबर। फाइबर क्या होते हैं बच्चों, फाइबर वो होते हैं जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो आपकी आपकी जो कैनाल है जहां से आपका फूड जाता है अंदर, उसको क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी होता है ये, अगर ये नहीं खाएंगे हम तो हमें क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक और लिख सकते हो आप इसमें वॉटर, वॉटर भी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में आजकल गिना जाने लगा है। क्यों, क्योंकि देखो पानी ही ऐसी चीज है, अगर पानी नहीं पिएंगे तो ये सब खाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनको पचाने
के लिए आपको पानी चाहिए, ठीक है, आप जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हो, शैलेंद्र चौधरी हेलो, जो भी टॉक्सिन आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, जो आप यूरिन के द्वारा निकाल रहे हो, वो किसकी मदद से निकलेगा, आपके वाटर की वजह से, ठीक है। आप खाते हो, इंपॉर्टेंट पदार्थ भी बनते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, और कुछ टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रोटीन खाया तो अमोनिया एज ए प्रोडक्ट निकलेगा, अमोनिया कैसे निकलेगा, एज ए बायो प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, यूरिया के फॉर्म में निकलेगा, तो वो वाटर की सहायता से आपके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं कहूंगी माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात करूं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सुजीत कुमार प्रधान हेलो, विटामिंस, विटामिन हो गया एक तो आपका, ठीक है, और क्या हो जाता है बच्चों आपका, एक हो जाता है आपका मिनरल्स, ठीक है, खनिज लवण जिनको हम कहते हैं खनिज, ठीक है, क्लियर है। एक हो जाता है विटामिंस, विटामिंस क्या होते हैं बच्चों, जो आपकी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और आपको क्या चाहिए होते हैं, बहुत ही लिटिल अमाउंट में या मैक्रो अमाउंट यानी कि बहुत छोटी सी अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं, लेकिन इनके बिना आपके शरीर की वृद्धि रुक जाती है, इनके बिना आप कोई ऐसा, जैसे अगर सपोज मैं कहूं मुझे विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको आंखों से थोड़ा थोड़ा दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है, आंखों के लिए जरूरी क्या हुआ, विटामिन ए हुआ। अगर मैं कहूं विटामिन सी की मुझे कमी है तो आपका इम्यून सिस्टम डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक हो जाएगी, ठीक, वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है इतना। और मैं कहूं भाई मुझे फॉलिक एसिड की कमी हो गई, अगर फॉलिक एसिड नहीं खाया तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे रोग हैं जो विटामिन से रिलेटेड हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषण तत्व जो कि हमें बहुत छोटी सी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होती हैं उनके लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं हम, देखो हमने ये मेन आपको बता दिया दो तरह के होते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट धीरे धीरे एक एक कंपाउंड को लेकर करते हैं, ठीक है, पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट करते हैं सारा कवर, उसके बाद हम आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, क्लियर है सभी को। चलिए अब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करती हूं, मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले लिखूंगी, तो यहां मैं सीधे ही लिख देती हूं न्यूट्रिशन के नीचे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं, क्लियर है इतना सभी को। चलिए, हेलो राकेश पटेल, कार्बोहाइड्रेट शुरू कर रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। देखो बच्चों, अगर हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि देखो मैं हिंदी में ही बोल रही हूं आपको सब कुछ, ठीक है, लेकिन कुछ एक टर्म्स होती हैं बायोलॉजी की जो हमें उसमें क्या करना होता है, इंग्लिश में ही लिखना होता है, ठीक है। अब जैसे मैं लिख रही हूं कार्बोहाइड्रेट, अब इसको हिंदी में ऐसा कुछ नहीं कहते, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही लिखा जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, मैं आप मुझे स्टे स्कॉलर पेज पे ढूंढ सकते हो फेसबुक के अंदर, ठीक है, स्टे स्कॉलर नाम से मैं हूं, जिसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर से, किसी को कुछ समझना होता है तो आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं, स्टे स्कॉलर चित्रा वरुण के नाम से मैं हूं, ठीक है, क्लियर है सभी को। और मैं YouTube पे भी, आपको अगर कोई SSC की तैयारी कर रहा है अगर कोई बच्चा, तो YouTube पे भी मेरा चैनल है स्टे स्कॉलर चित्रा वरुण के नाम से, ठीक है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, हाय अनूप अंगारिया हेलो। चलिए बच्चों, अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों, देखो कार्ब मतलब क्या होता है, कार्बो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कार्बन कंपाउंड है इसके अंदर, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ सी, ठीक है, कार्बन कंपाउंड है प्लस कार्बन मॉलिक्यूल है, और हाइड्रेट अगर मैं लिख रही हूं तो बच्चों क्या है, इसके अंदर वाटर है, यानी कि हाइड्रेट जब भी यूज होता है, हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, हाइड्रेट का मतलब हो गया वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये कैसे बना होता है, CH2O, ठीक है, इस तरह के ये कंपोजिशन होती है 1:2:1, ठीक है। कार्बन कितना है, 1 है, 1 का रेशो रहेगा, और आपका हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 का रेशो रहेगा, और अगर मैं कहूं ऑक्सीजन कितना रहेगा तो वो भी 1 का रेशो रहेगा, 1:2:1, ठीक है, CH2O, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, मैं अगर इसकी स्पेशलिटी की बात करूं तो ये इसमें क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, एल्डिहाइड को कैसे लिखते हो आप,
COH, ठीक है, केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता चल गया होगा। हाँ जी, और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, तो आप लिखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, क्लियर है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन ग्रुप का बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको इतना पता चल गया कि, और इसमें देखो बच्चों, जैसे ये है, मैं कहूंगी कि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में जितने भी कार्बन 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 आपस में जुड़े होते हैं वो किससे होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिगेज से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हायर एग्जाम्स होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोल सकते हो आप इसको, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है इसके अंदर, ठीक है। बॉन्ड की मैं बात कर रही, जो इनकी जो इसके अंदर बॉन्ड होगा, जैसे सपोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हैं या तीन जुड़े हैं, तो वो सब बीच में कौन सा बंद हो जाएगा उनके अंदर, ग्लाइकोसाइडिक बंद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है अभी इतना। अभी देखो पढ़ते जाओ, लास्ट में बात कर लेंगे, 10 मिनट बचेंगे हमारे पास, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने क्या क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट कैसे बना होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और क्या है इसमें, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। अगर मैं इसको अनुपात, इसका रेशो की बात करूं, तो 1:2:1 इसका रेशो है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी इसके प्रकार के बारे में, कितने टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो आप लिखोगे एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और ये सभी ने लिख लिया, सबको, सबने देख लिया है क्या लिखा है मैंने। देखो आप बच्चों मुझे कनेक्ट कर सकते हो स्टे स्कॉलर पेज पे, कोई क्वेरी हो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप स्टे स्कॉलर चित्रा वरुण के नाम से मैं हूं, ठीक है, फेसबुक पेज है ये मेरा, प्लस मैं यूट्यूब पे भी हूं, ठीक है, यूट्यूब पे मेरा चैनल चलता है फॉर एसएससी के लिए, ठीक है, तो उस पे भी मैं स्टे स्कॉलर नाम से हूं, क्लियर है सभी को। ठीक है, स्टे स्कॉलर से आप मुझे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं क्या बता रही हूं आपको, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में मैंने क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, पहला सभी लिखेंगे मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड का क्या मतलब है, देखो मोनो मीन्स होता है एक, ठीक है, एक होता है, सैकेराइड क्या है, शुगर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम शुगर, यानी कि एक कंपाउंड, एक जो कंपाउंड है इसके अंदर, किस कौन सा कंपाउंड है, एक शुगर का कंपाउंड है, क्लियर है इतना, सभी को क्लियर हो रहा है अभी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ठीक है, चीनी का एक कंपाउंड, चीनी हम बोल देते हैं, ठीक है, वैसे शुगर इसको सभी को कंसिडर किया जाता है, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है, वो सब शुगर ही है। अब आता है हमारा बच्चों ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड का क्या मतलब है, देखो 2 से 10 तक मॉलिक्यूल जो मिलके बनाते हैं, वो क्या बना, शुगर के कंपाउंड कितने मिल गए, 2 से 10 तक क्वांटिटी में मिल जाते हैं, तो क्या हो गया, ओलिगोसैकेराइड। फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइड, अगर मैं डाइसैकेराइड की बात करती हूं, तो डाइसैकेराइड क्या हो गया बच्चों, डाइसैकेराइड का मतलब है 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं ट्राइसैकेराइड की बात करती हूं, तो 3 मॉलिक्यूल शुगर के जुड़े हुए हैं। अगर मैं कहती हूं टेट्रासैकेराइड, ठीक है, तो टेट्रासैकेराइड में कितने हो गए, 4, इसमें कितने हो गए, 3, और इसमें कितने हो गए, 2, ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। अब मैं बात करूंगी बच्चों, लास्ट में एक आता है तीसरा प्रकार, जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड मतलब, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं, सैकेराइड, बहुत सारे जब शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसैकेराइड, क्लियर है इतना सभी को। तो पॉलीसैकेराइड का आपको पता चल गया, पॉलीसैकेराइड में कौन सा बंद होता है, मैंने अभी बताया था आपको, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है सभी को, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम बच्चों देखो आगे मूव करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, क्लियर है।
पहला देखो हमने क्या बताया, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सभी बच्चे लिखेंगे, आप फ्रक्टोज लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सभी को पता होगा किस में पाई जाती है, फ्रक्टोज होती है फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, फ्रूट शुगर। ठीक है, क्या है? मोनोसेकेराइड है, जिसके अंदर एक ही सेकेराइड है, यानी कि एक ही शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हो? राइबोज। राइबोज क्या होता है बच्चों? राइबोज देखो, राइबोज जो शुगर होती है वो आरएनए और डीएनए के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाता है, यहां से स्टार मार्क कर लीजिए। एक तो ज्यादातर पूछा जाता है फ्रक्टोज कहां पर होता है। गुड इवनिंग अभिषेक कुमार। ठीक है, फ्रक्टोज कहां होता है? फ्रूट शुगर, यानी फलों वाली शर्करा के नाम से जानते हैं फ्रक्टोज को, और सबसे ज्यादा मीठी भी होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? और कहां ये किस में होती है? फ्रूट्स में होती है। राइबोज शुगर की मैं बात करूं तो वो भी क्या है? मोनोसेकेराइड है, और वो कहां पाई जाती है? आपके डीएनए और आरएनए में। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? चलिए अब आप इसमें एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ठीक है, तीन बताइए मैंने, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज, और सबसे पहले नंबर पे तो हम भूल ही गए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज भी होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई बात नहीं अभिषेक कुमार, सभी आ जाइए, धीरे धीरे आते रहिए। अब मैं बात करूंगी, देखो बच्चों, डाइसेकेराइड की। किसकी बात करूंगी मैं? आपको बताऊंगी डाइसेकेराइड। यहां पर मैं मिटा देती हूं। देखो डाइस आपको मैंने बता दिया, ट्राइसेकेराइड क्या होते हैं, टेट्रा क्या होते हैं, ट्राइ मतलब तीन वाले होते हैं। ठीक है, तीन जिसके अंदर होते हैं। अब मैं बात करूंगी, देखो शुगर जो होता है बच्चों, जो आपका ये वाले शुगर होते हैं, ये दोनों मीठे होते हैं। क्या बोलेंगे? स्वीट। आपका मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं आपका पॉलीसेकेराइड तो आप क्या बोलोगे? नॉन स्वीट, यानी कि ये मीठा नहीं होता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर भी बोल सकते हैं इसको, ये मीठा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अब बात करेंगे सुक्रोज, देखो कैसे बनता है। डाइसेकेराइड है सुक्रोज, सभी लिखेंगे सुक्रोज। तो बच्चों कौन बता सकता है सुक्रोज किन दो अणुओं से मिलकर बनता है? तो सुक्रोज आप बताएंगे कोई, कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं किसने कितना कितना पढ़ा हुआ है। कोई नहीं बता रहा, ठीक है, चलिए सुक्रोज लिखते हैं, किसी ने बताया है लगता है। शुगर कैन, देखो बच्चों शुगर कैन की बात नहीं कर रही हूं मैं अभी, सुक्रोज मैं पूछ रही हूं। हाँ, शुक्रो जो मोनो डाइसेकेराइड होता है बच्चों, वो मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं? आपके डाइसेकेराइड बनाते हैं। वही मैंने पूछा है, सुक्रोज जो होता है बच्चों वो क्या करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज का एक अणु होगा प्लस किसका होगा? फ्रक्टोज का एक अणु होगा, दोनों मिला के क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर मैं लैक्टोज की बात करूं, लैक्टोज जो कि मिल्क के अंदर होता है, लैक्टोज शुगर सबको पता होगी किसके अंदर होता है बच्चों? मिल्क के अंदर होता है। तो वो कैसे बना होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तीसरा अगर मैं कहूं माल्टोज की, देखो माल्टोज किससे बनता है? तो सभी लिखेंगे बच्चे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, दो ग्लूकोज के अणु जुड़ के क्या बनाते हैं? आपका माल्टोज बनाते हैं। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड। ठीक है, वेरी गुड अभिनंदन शर्मा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे आपके थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में क्या आता है बच्चों? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की अगर एग्जांपल की बात करूं तो आप क्या बताएंगे? पहला एग्जांपल स्टार्च, और दूसरा एग्जांपल क्या बता देंगे आप यहां पर? स्टार्च हो गया आपका, ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, अगर मैं ग्लाइकोजन बोलती हूं बच्चों, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोरेज ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आपने जो कुछ भी खाया, जितना भी खाया, इंस्टेंट एनर्जी की फॉर्म में ग्लूकोज में यूज हो जाता है। ठीक है, जो जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर गया वो सब क्या करेगा? आप इंस्टेंट हाथ हिलाओगे, आप कुछ काम करोगे, जाओगे इधर उधर, ठीक है, आपके ब्रेन सेल को भी कंटिन्यूअस क्या होता है? ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए होती है। क्लियर है इतना? लेकिन जो ग्लूकोज हम
एक्स्ट्रा अमाउंट में खा रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा अमाउंट में खाते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज बनने के बाद वो कहाँ चला जाता है, स्टोरेज के लिए, और स्टोर किस में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल का क्या है, स्टोरेज मटेरियल, स्टोरेज फूड है, ठीक है। स्टोरेज फॉर्म में क्या पाया जाता है, अगर मैं जंतुओं की बात करती हूं तो जंतुओं में क्या होता है बच्चों, जंतुओं के अंदर आपका स्टोरेज फूड अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप क्या बताओगे, ग्लाइकोजन होता है। अगर मैं कहूं फूड आपके प्लांट्स के अंदर, पादपों के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है, तो आप क्या बताओगे, प्लांट किंगडम में, प्लांट में जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, फूड स्टोरेज की बात मैं कर रही हूं तो वो क्या होगा, स्टार्च की फॉर्म में होता है। क्लियर है सभी को इतना, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। एक होता है सेल्यूलोज, तीसरा लिखिए सेल्यूलोज, ठीक है। सभी को पता है ये क्या है बच्चों, ये आपकी कोशिका भित्ति का, जो प्लांट की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसके ऊपर की जो कवरिंग है, कोशिका भित्ति है यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, सेल्यूलोज, ठीक है। सभी लिखेंगे सेल्यूलोज, तो ये क्या है बच्चों, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज क्या हो गया आपका, जो कोशिका भित्ति की कवरिंग है वो भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। सभी को इसको क्लियर करना है, सभी को याद रखनी है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपके कहीं से भी उठा के पूछ लिए जाते हैं और बहुत बेसिक से हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं, और क्या है देखो बच्चों, एक आर्थ्रोपोडा आपने सुना होगा, जब भी मैंने वर्गीकरण कराया था, आर्थ्रोपोडा क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का क्या है, फाइलम है, जिसके अंदर संधि वाले, संधि उनके अंदर होती है, उनके पैरों के अंदर, ठीक है, जॉइंट उनके अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है बच्चों, उनका जो यूट्यूब पर नहीं होगा प्रदीप मीना, ये वेबसाइट पे चलेगा कोर्स, ठीक है। तो जो आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, जॉइंट लेग्स क्या होते हैं, उनके एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनका गुण है उस फाइलम का, ठीक है। तो उस संघ के जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनका एक्सोस्केलेटन, जो बाहर की कवरिंग है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो वो भी क्या है बच्चों, ये दिख रहा है आपको सभी को नीचे तक, सेल्यूलोज तक दिख रहा है ना, उसके बाद नहीं दिख रहा, चलो मैं ऊपर लिख देती हूं अब, ठीक है। मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने ये कहा कि आपका जो आर्थ्रोपोडा संघ है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आर्थ्रोपोडा जो संघ है, फाइलम है, उसके जो जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, तो आप क्या बताओगे, उसमें उसका स्केलेटन बना होता है, काइटीन का बना होता है। क्लियर है सभी को, काइटीन नाम का पदार्थ होता है, और वो क्या होता है बच्चों, काइटीन की भित्ति, काइटीन की कोई भित्ति नहीं होती, काइटीन पदार्थ किस पे पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन पे, जो बाहरी कंकाल होता है उस पे क्या होता है, काइटीन होता है, और उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, वो भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अब बच्चों इसकी एनर्जी की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, एनर्जी की बात करेंगे हम इसमें, तो एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट जब बर्न होता है तो हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक ग्राम कितनी एनर्जी देता है, कितनी एनर्जी देता है, गुड इवनिंग कुंदन चौधरी, थोड़ा लेट हो गया आज, चलिए, तो वो कितनी एनर्जी देता है आपको पता है, 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है, ये सबको याद रखना है, ठीक है। यहां पर मैंने पूछा कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो बर्न होके कितनी एनर्जी देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करती हूं तो कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों उसको, 4 किलो कैलोरी। अगर मैं कहूं डेली नीड है आपके खाने की, आपके खाने की डेली नीड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, आपने देखा होगा जो इंडियन थाली जो होती है हमारी, उसमें मैक्सिमम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, किस फॉर्म में होता है, रोटी और चावल की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, उसके हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या होता है, रोटी और चावल, ये ब्रेड, रोटी चावल ब्रेड, ये क्या है, मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट के। और जो इसके अंदर हमें कितना चाहिए होता है डेली, अगर मैं पूछूं कितने ग्राम आपको चाहिए डेली कार्बोहाइड्रेट, तो आप क्या बताओगे बच्चों, देखो 325 ग्राम से 400 ग्राम तो ये बहुत नेसेसरी है, ठीक है,
कितना ग्राम, 325 से 400 ग्राम तक का आपको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को। 4.2 कर लीजिए आपको अगर लग रहा है 4.1 गलत है तो, ठीक है। वैसे मैक्सिमम बुक 4.0 ही लिखती है, क्लियर है सभी को। 4 से 4.2 इस रेंज में आपको अलग अलग बुक में दिखेगा, ठीक है। चलिए, ये रेंज है एक जो मैंने बताई है, ठीक है। वैसे कई बुक में 4 ही लिखा हुआ है, आप अगर दिशा पब्लिकेशन की बुक अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 4, ठीक है। चलिए, अब क्या मैंने बताया, 325 से 400 ग्राम तो आपको फैट कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए। अगर मैं कहूं फॉर किस लिए, फॉर 2000 टोटल किलो कैलोरी कितनी चाहिए, इतनी ऊर्जा हमें डेली की चाहिए, किस लिए, हमें जो बेसिक काम होते हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन जो जो बंदा ज्यादा काम करता है उसको 2200-2300 तक भी चाहिए हो सकती है, ठीक है। कितनी कैलोरी, 2200 से 2300 तक। अगर मैं कहूं कि किसी लेबर है, कोई लेबर है, लेबरर वर्क है उनका, कोई काम कर रहा है, रिक्शा पुलर है, तो उसको ज्यादा चाहिए कैलोरी, 3000 तक भी पहुंच जाती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर एक नॉर्मल बंदे की मैं बात करूं जो सिंपल सिर्फ ऑफिस में जाके बैठता है, उसको कितनी चाहिए, 2000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, ठीक है, क्लियर है इतना। और मैंने क्या बताया, 325 से लेके 400 ग्राम तक इतना आपको कार्बोहाइड्रेट डेली खाना ही खाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों, हम अभी ये क्लियर हो गया सबको कार्बोहाइड्रेट, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन वाला पार्ट, उस पर हम चलते हैं अब, ठीक है। कैसी तैयारी चल रही है आप सभी लोगों की, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा कितनी अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम तो बिल्कुल नजदीक है अभी। हाँ जी, मीठा खाने से एनर्जी आती है। देखो मीठा, जो मीठा इसलिए खाते हैं क्योंकि मीठे में ज्यादा कैलोरीज होती हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चों, हम क्या बात कर रहे थे, हमारा आप चलेगा प्रोटीन, ठीक है। सेकंड जो मेन कंपोनेंट है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो क्या है, प्रोटीन। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट कैसे बना होता है, CHO, ठीक है, तीन कंपाउंड से बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलो अभिनंदन शर्मा, सब बाद में बातें करेंगे अभी थोड़ी सी, ठीक है, सो सैड वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। डायबिटीज ऐसे नहीं होता बच्चों, डायबिटीज के लिए आपका इंटरनल ऑर्गन, अगर पैनक्रियाज आपका, आपकी जो लैंगरहैंस कोशिकाएं हैं, बीटा सेल्स, वो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, तो उस केस में आपको डायबिटीज होता है, ठीक है, नॉर्मल को नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखो प्रोटीन क्या होता है, सबको पता है प्रोटीन, अगर किसी से मैं जनरल लैंग्वेज में पूछूं तो कौन क्या बताएगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन सबसे पहले तो बच्चों क्या होता है, इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। हमारी जो शरीर, ये काय खड़ी हुई है, ये किसकी वजह से है, हमारे जो जैसे अगर सपोज मैं कहूं, आपने जिम वाला बंदा देखा होगा, कोई जिम में देखा होगा किस तरह के लोग होते हैं, इतने ऐसे तगड़े तगड़े चौड़े चौड़े लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो प्रोटीन खाने से होते हैं, ठीक है। उनकी प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा फैले हुए से होते हैं, उनकी मसल्स इतनी ग्रो कर जाती है। तो क्या कह सकते हो, प्रोटीन कैसा होता है बच्चों, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब बिल्डिंग बिल्डअप करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या कह रही हूं, प्रोटीन जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है, बॉडी का क्या है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि एक पूरी संरचना का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। अब प्रोटीन बना किससे होता है, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो एसिड सभी को पता है, अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो अम्ल बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, क्लियर है इतना। तो जो अमीनो एसिड है,
ठीक है। और इनके कंपोनेंट की अगर बात करूं तो कार्बन भी है इसमें, हाइड्रोजन भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है इसमें, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, क्लियर है, ये सभी को पता होना चाहिए। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, तभी हम कहते हैं जब प्रोटीन का बर्न होती है तो क्या होता है, उसका जो रेसिड्यूअल मटेरियल है वो क्या निकलता है, आपका अमोनिया निकलता है उससे, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूं, देखो आपका अमीनो एसिड क्या हो गया, यूनिट हो गई, ठीक है, यूनिट मतलब इकाई हो गई, किसकी, प्रोटीन की इकाई हो गई अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या थी, उसके अंदर किस किस से मिलके बना था, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता था, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता था एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके अंदर अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर एक तो अमीनो ग्रुप होगा, बहुत ही जरूरी है ये अमीनो ग्रुप का होना, अमीनो ग्रुप होगा प्रोटीन के अंदर, और कौन सा ग्रुप होगा, एक होता है इसमें COOH, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक होगा आपका एसिड ग्रुप, ठीक है, एक होगा एसिडिक ग्रुप, एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है, क्या हो गया आपका, एक होता है आपका इसके अंदर अमीनो ग्रुप और एक होता है अम्ल ग्रुप, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा अब हम बात करेंगे, देखो बच्चों इसमें जो, जैसे कि सोर्स की बात करती हूं मैं इसकी, तो किससे मिलता है, सभी को पता है मटन से मिलता है, मीट होता है, फिश होते हैं, ठीक है, एग्स होते हैं, और क्या बोल सकती हूं मैं, आपके लेग्यूम्स होते हैं, सोयाबीन होता है, उसके अंदर भी आप अगर वेजिटेरियन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसके अंदर, सोयाबीन के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं मांस वाले जो एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन होती है वो नॉन वेजिटेरियन के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है, ठीक है। और किसमें होता है, योगर्ट के अंदर भी होता है, ठीक है, प्रोटीन इन चीजों के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो प्रोटीन होते हैं दो तरह के, जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, देखो अब प्रोटीन की बात हो चुकी, अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड कितने होते हैं बच्चों, अमीनो एसिड होते हैं आपके दो तरीके के, एक को कहते हैं असेंशियल, ठीक है, असेंशियल अमीनो एसिड, ए लिख देती हूं अमीनो एसिड की, और एक होता है नॉन असेंशियल। असेंशियल का मतलब क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल, एक क्या है जो आवश्यक नहीं है, नॉन अमीनो यानी कि अनावश्यक, ठीक है। अब नॉन अमीनो, ये असेंशियल अमीनो एसिड की मैं बात कर रही हूं तो इतना समझ लो, ये असेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सोयाबीन में होता है प्रोटीन, ठीक है। अब मैं बता रही हूं आपको असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, असेंशियल का मतलब होता है जो हमें खाना जरूरी है और वो खाने के द्वारा ही हमारी बॉडी में जाएंगे, अदरवाइज वो अंदर नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आवश्यक की, तो हमारी डाइट में आवश्यक अगर अमीनो एसिड है तो इसीलिए उनको आवश्यक कहा गया, क्योंकि वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है। और नॉन असेंशियल कैसे होते हैं, जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि असेंशियल है, ठीक है, मैंने खाया अमीनो एसिड, जो आपको इतना जरूरी नहीं है अभी याद करना कि टायरोसिन है या एलानिन है या ग्लाइसिन है, कौन सा असेंशियल है, ठीक है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता रखना असेंशियल का मतलब क्या होता है, जो आवश्यक, वो हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो खाने से उसकी सप्लाई होनी चाहिए, ये जरूरी है इसमें असेंशियल में। नॉन असेंशियल कैसे हो गए बच्चों, जो कि अंदर ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, इसीलिए तो हमने कहा अनावश्यक, क्योंकि हमारी बॉडी तो खुद ही बना रही है वो, ठीक है। ये कैसे हो गया, संयमित, नमस्ते, नॉन असेंशियल कैसे हो गए बच्चों, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, ठीक है, हमें खाने की जरूरत नहीं है ऊपर से उनको, ठीक है। और मैंने क्या बताया, असेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी को चाहिए, ऊपर से सप्लाई चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। चलिए अब हम, मैंने ये बात कर ली आपसे, अब मैं बात करूंगी कितना अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए, डेली जो नीड है हमारी बॉडी की वो कितनी है, तो आप क्या बताओगे, एक मिनट मेरे कमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहे, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डिस्प्ले नहीं हो रहा, एक मिनट स्क्रीन,
हेलो तनुश्री कोटाई। क्लास देखो बच्चों, अभी कुछ डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी 2 मिनट का टाइम दो मुझे, थोड़ा सा मुझे। ये देखिए वाला कमेंट्स, ये नहीं बोल रही मैं। अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है आवाज सभी लोगों को। अभी सभी को आवाज आ रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब हम क्या बात कर रहे थे बच्चों, हमने बताया था प्रोटीन के बारे में डिस्कशन चल रही थी और अमीनो एसिड के नॉन असेंशियल के बारे में डिस्कशन हो रही थी। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको कितना अमाउंट आपको डेली खाना चाहिए। ठीक है, कितना अमाउंट प्रोटीन आपको डेली खाना चाहिए। तो बच्चों क्या बताओगे आप, प्रोटीन जो डेली रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी इन बिटवीन 70 to 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन यू शुड रिक्वायर डेली। ठीक है, ये आपका क्या है, RDA, डेली रिकमेंडेड अलाउंस। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, इसमें आपको जो डेली नीड है, आपको एक पर्सन की बात कर रही हूं, डेली आपको कितना चाहिए, इतना प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना, 70 से 100 ग्राम तक का प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, अब मैं प्रोटीन्स के टाइप के बारे में हम बात करेंगे, तो मैं इसको रब कर देती हूँ थोड़ा। ये अमीनो ग्रुप्स NH3 नहीं होगा, NH3 होता है अमोनिया। ठीक है, एक होता है NH2 और एक होता है NH3, दोनों में फर्क है। ठीक है, ये हम इसको लिखेंगे जैसे हम उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसकी ऐसे लिखते हैं ना हम इसको, COOH, और यहां पर होता है आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, यहां आपका H+H, तो ये क्या है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हमें इसमें यही वाला लिखना चाहिए, ये क्या है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, और एक होता है NH4+, ये होता है अमोनियम आयन। ठीक है, क्लियर है इतना, अमोनियम आयन। तो ये तीनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, इसके अंदर अमीनो ग्रुप होता है, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है आपकी अमीनो एसिड की। सबसे बेसिक वाला मैंने बताया, क्या कहते हैं इसको, ग्लाइसीन कहा जाता है। ठीक है, ग्लाइसीन कहते हैं, और ग्लाइसीन क्या होता है, स्वीट स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, स्वीट वाला अमीनो एसिड है, स्वीट होता है, मीठा होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रोटीन टाइप्स की। देखो प्रोटीन के टाइप्स की बात करते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है। प्रोटीन टाइप्स ऐसे नहीं पूछेगा कितने प्रोटीन के टाइप होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक हमारी बॉडी के अंदर होता है फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, और एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस का क्या मतलब है, देखो जो कैसे होते हैं फाइब्रस होते हैं लॉन्ग
नैरो, ठीक है, पतले होंगे, लंबे होंगे और स्ट्रैंड, उसके स्ट्रैंड्स पतले लंबे होंगे, ठीक है, क्लियर है। और उनका फंक्शन किस में होता है आपका, स्ट्रक्चरल में, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल रोल यानी कि संरचनात्मक, क्लियर है इतना। संरचनात्मक मतलब बॉडी की संरचना में वो भाग लेते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं बता रही हूं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है बच्चों, देखो ग्लोबुलर का मतलब आप लिखेंगे ग्लोब से रिलेटेड यानी कि गोलाकार, ठीक है, ग्लोब से रिलेटेड कैसा हो गया, ग्लोब कैसा होता है, गोलाकार होता है, तो गोलाकार होते हैं थोड़े प्रोटीन, ठीक है, गोलाकार मतलब इनकी थ्री डी इनकी वो होती है, इनका जो संरचना होती है वो कैसी होती है, थ्री डायमेंशन होती है, और कैसे होते हैं ऐसे गोल 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 नुमा इनकी स्ट्रक्चर होती है, तो इनको कहते हैं ग्लोबुलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, क्लियर है इतना। अब मैं बात करूंगी इनके एग्जाम्पल की, पहले तो ये लिखिए ये वॉटर सोल्यूबल होता है, वॉटर सोल्यूबल यानी कि पानी में ये घुल जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पानी में घुलनशील ग्लोबुलर प्रोटीन को, ठीक है। अच्छा अब आइए स्ट्रक्चरल में, देखो एक होता है कोलाजन, ठीक है, कोलाजन, ठीक है, सभी को पता है कोलाजन के बारे में, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, ठीक है, क्लियर है, क्या लिखेंगे, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। आप यहां भी लिख सकते हैं कोलाजन क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, सबसे ज्यादा इन एनिमल किंगडम, जंतु जगत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम बताएंगे आप, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्टार मार्क, कोलाजन क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, हाँ एग्जाम में आता है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल किंगडम, जंतु जगत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, कोलाजन, ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, कोलाजन, ठीक है। अगर मैं कहूं प्लांट के बारे में पूछूं, प्लांट में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन, तो आप क्या बताएंगे, रूबिस्को, रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को, रूबुलोज बिस कार्बोक्सिलेज, ठीक है, रूबुलोज बिस कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये किस में पाई जाती है बच्चों, ये पाई जाती है, यस, कोलाजन स्किन में पाया जाता है, ये पाई जाती है आपके पादप जगत में, ठीक है, रूबिस्को नाम से आती है, रूबुलोज बिस कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये किस में पाई जाती है, पादप जगत में, एनिमल, जैसे एनिमल किंगडम में कौन सी पाई गई, कोलाजन पाई गई, उसी तरीके से ये कहां होती है, ये प्लांट्स में पाई जाती है, और हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, रूबिस्को है, ठीक है। अब आते हैं, देखो बच्चों कोलाजन की बात कर ली है हमने, क्या क्या काम करती है कोलाजन, तो आपको पता होना चाहिए किस में पाई जाती है, अभी किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा भी है, स्किन में पाई जाती है, ठीक है, स्किन में पाई जाती है, और किस में पाई जाती है आपका, देखो बच्चों ये स्किन में होती है, और किस में, ये मेजर कंपोनेंट है किसका, आपके कनेक्टिव टिश्यूज का, कनेक्टिव टिश्यूज क्या, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनके ज्यादा, उनके उनके अंदर क्या पाई जाती है, उनके अंदर आपका क्या पाया जाता है, कोलाजन पाया जाता है, ठीक है, सभी लिखेंगे किसके अंदर पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज का ये पार्ट है संयोजी उत्तक का, ठीक है, संयोजी उत्तक का, क्लियर है। अब क्या बताएंगे हम, दूसरी बात अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो ये और कहां होता है, आपके लिगामेंट्स में होता है, ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, बॉडी पार्ट में आपके जो सेवरल बॉडी पार्ट्स हैं उनमें पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, ठीक है, और क्या लिखोगे, मसल्स, मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है, और कहां पाया जाता है बच्चों, तो और लिखेंगे आप, ये पाया जाता है आपकी स्किन के अंदर, ठीक है, एक बच्चे ने अभी लिखा भी है, वेरी गुड, स्किन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगी दूसरे जो प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन की बात चल रही है अभी, तो मैं यहां पर इसको डिलीट कर देती हूँ, फिर यहां ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है, ऊपर से शुरू कर देते हैं, अच्छा अब मैंने इतना बता दिया किस में पाया जाता है, आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कौन, कोलाजन प्रोवाइड करता है, किस किस में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज में, मांसपेशियों में पाया जाता है, और स्किन में, आपकी त्वचा में पाया जाता है, ठीक है। अब लिखेंगे आप दूसरे नंबर पे, लिखिए केराटिन, केराटिन सबको पता होगा ये प्रोटीन कहां पाई जाती है, केराटिन,
ठीक है, किस में पाई जाती है बच्चों? केराटिन जो होती है आपकी, यस वेरी गुड, हेयर्स में पाई जाती है, आपके हेयर के अंदर पाई जाती है। और क्या लिख सकते हो आप इसको? हेयर। और क्या लिख सकते हो आप इसको? स्किन में भी पाई जाती है। और क्या लिख सकते हो? नेल्स में भी पाई जाती है, ठीक है, नाखूनों में पाई जाती है, बालों में पाई जाती है, त्वचा में पाई जाती है और नेल्स में, नाखून के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये सब भी आता है एग्जाम में, जरूर पूछते हैं केराटिन का क्या रोल है, स्ट्रक्चरल रोल है, फाइब्रस प्रोटीन है, कहाँ पाई जाती है? नाखूनों में पाई जाती है, बालों में पाई जाती है, त्वचा में भी पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो एक और तीसरे नंबर पे लिखो, पहला कोलेजन था, दूसरा लिखा आपने केराटिन, तीसरे पे लिखो इलास्टिन। इलास्टिन एक प्रोटीन होती है, पता नहीं इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इलास्टिन क्या होती है। इलास्टिन होती है एक तरह की प्रोटीन जो आपको क्या प्रोवाइड करती है? इलास्टिसिटी, यानी कि आपको इलास्टिसिटी देती है, ठीक है। अगर आपकी त्वचा नरम है तो इलास्टिन की वजह से, ठीक है। और क्या कह सकते हो? आपकी जो ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती है ये प्रोटीन। और कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये पाई जाती है आपके लंग्स की लाइनिंग्स में भी पाई जाती है, जो इससे लंग्स को आपको एक्सपैंड होते हैं फिर ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। लंग्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर एक्सपैंड हो जाते हैं। और कहाँ पाई जाती है? सोचो, अगर मैं लंग्स की बात कर रही हूं तो आपके फुफ्फुस जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, ऐसे ऐसे स्पॉन्जी होते हैं, तो उसमें क्या पाई जाती है? आपकी इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। इलास्टिन का मतलब क्या है? जैसे इलास्टिक होता है, खिंचता रहता है, उस तरह की ये प्रोटीन है। और कहाँ पाई जाती है बच्चों? देखो हार्ट के अंदर भी पाई जाती है, हार्ट मसल्स के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। और भी जगह, ये ऐसी जगह पाई जाती है जहां पर जरूरत होती है इसकी, जैसे कि इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आप क्या क्या याद रखोगे? ब्लड वेसल्स में, लंग्स में और हार्ट मसल्स के अंदर भी पाई जाती है। अब बच्चों हम बात करेंगे आपको दूसरी प्रोटीन्स की, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। हमने बात करी थी अभी फाइब्रस के बारे में, अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या बताया था मैंने? ग्लोबुलर कैसे होती है? गोल सी होती है, थोड़ी ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लस वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। इनका एक प्रोटीन है जो स्ट्रक्चरल के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो हमारी स्ट्रक्चर बना रही है। दूसरी प्रोटीन क्या बता रही हूं मैं? ग्लोबुलर प्रोटीन, जो स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, दोनों में फर्क है। अब मैं ग्लोबुलर प्रोटीन की बात अगर लिख रही हूं तो देखो बच्चों, हाँ जी, मेलानिन की वजह से कलर आपकी स्किन का कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। अगर मेलानोसाइट, जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो बढ़ जाते हैं तो क्या करेंगे बच्चों? आपका कलर डार्क हो जाता है। अगर मेलानिन आपका कम हो जाता है, मेलानोसाइट्स कम हो जाती है, तो स्किन का कलर कैसा रहता है? गोरा रहता है, ठीक है, मेलानिन की वजह से आता है। देखो बच्चों, अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए अभी, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए पॉइंट से, जो हमारे पॉइंट से पहले वो करते हैं, लास्ट में सेशन कर लेते हैं एक बार, 5-10 मिनट का बातों वाला, ठीक है, जिसमें हम बातें कर लेंगे बहुत सारी। चलिए अभी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन में पढ़ा रही हूं। ग्लोबुलर प्रोटीन जैसा कि मैंने बताया कैसी होती है? ग्लोब लाइक होती है और वाटर सोलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करूंगी तो आप क्या बताओगे? ग्लोबुलर प्रोटीन तो कैसे होते हैं बच्चों? एग्जाम्पल एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जितने भी जो एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं इंसुलिन, इंसुलिन कैसा है? इंसुलिन तो हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। अगर मैं बात करूं एमाइलेज क्या होता है बच्चों? एमाइलेज होता है आपका एंजाइम, कैसा होता है? प्रोटीन वाला एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, एक होती है आपकी हीमोग्लोबिन, सबको पता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। तो वो कैसी बनी होती है बच्चों? वो भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तीसरा लिख सकते हो आप इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको एंटीबॉडीज भी लिखते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है? आपके इम्यून सेल के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर होती है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? बढ़ा देती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? बढ़ा देती है। तो मैंने क्या लिखा? इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। थैंक यू संदीप कुमार, ठीक है। अच्छा अब मैं बता रही हूं, तीसरी सेल लिखिए आप, एक और लिखिए, जैसे कि आप लिख सकते हैं इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन
हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। किससे सिक्रीट होता है? आपके पैनक्रियास से। क्या बोलते हैं उसको? अग्नाशय, अग्नाशय, हाँ अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। पैनक्रियास को क्या बोलते हैं? अग्नाशय। उससे क्या सिक्रीट होता है बच्चों? इंसुलिन सिक्रीट होता है। आपका जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, सब कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इंसुलिन भी क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैं कहूं रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन भी एक आ जाएंगे एग्जाम्पल है किसका? रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। ये जो बच्चे पढ़ेंगे, जो मास्टर्स करते हैं, जो बीएससी करते हैं, उनके सिलेबस में आती है रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या होता है रेगुलेटरी प्रोटीन? जीन को रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है। तो आपको थोड़े से फ्यू एग्जांपल याद रखने, जैसे कि एंजाइम हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, और आपकी एंटीबॉडी हो गई, इंसुलिन हो गया, ये क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें हमारे इतना क्लियर हो गया। अब हम देखो बच्चों, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, फैट पे, ठीक है। फैट पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। अच्छा, अगर एक ग्राम प्रोटीन बर्न होता है तो कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है? जितनी कार्बोहाइड्रेट में मिलती थी सेम उतनी ही मिलेगी, ठीक है। एक ग्राम प्रोटीन जब बर्न होती है तो कितनी किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है? 4.0 किलो कैलोरी, ठीक है। ये सभी देखो, ये याद करना जरूरी है। अगर 4.1 आ जाता है एग्जाम में तो वो भी क्लियर आंसर है। अगर 5 लिख रहा है तो वो रॉन्ग है, ठीक है। अगर वो 3 लिख के दे रहा है तो वो भी रॉन्ग है। अगर वो 9 लिखता है तो इसका क्या मतलब है? वो प्रोटीन की बात नहीं कर रहा, वो आपके फैट की बात कर रहा है। अगर एक ग्राम फैट बर्न होता है तो कितनी एनर्जी मिलती है बच्चों? 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो सेम है बिल्कुल, ठीक है, प्रोटीन के बराबर ही इतनी किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। पंकज पटेल 4.2 लिख लो, खुश हो जाओ, चलो, ठीक है। कई एग्जाम, कई बुक्स में है ना, देखो ऐसे आता है, 4.0 भी आता है और 4.3 तक इसकी रेंज रखते हैं ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, देखो ये हो गया हमारा, अब हम शुरू कर रहे हैं फैट, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए सभी लोग, फैट। थर्ड पॉइंट है फैट, जिसको हम कहते हैं वसा, वसा भी कहते हैं। सभी बच्चे लिखेंगे वसा। अच्छा, पहले वसा लिखने से पहले बच्चों देखो एक चीज और कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड। अच्छा ठीक है कुंदन चौधरी, 4.2 इज करेक्ट, ओके। यार टेंशन मत लो तुम लोग, है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, एक मैंने क्या कहा? प्रोटीन, प्रोटीन में हमारा एक पार्ट रह गया है अभी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड जो डिजीज है इसके अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एनर्जी क्या है? ऊर्जा। माल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? कुपोषणता, ठीक है, कुपोषणता। कुपोषणता क्या होता है बच्चों? कुपोषण हो जाना, किसी चीज की हमारी बॉडी में कमी हो जाना, ठीक है। दो तरह के रोग हैं जो इसके अंदर आते हैं, क्वाशियोरकोर, ठीक है, और दूसरा क्या है? मेरेस्मस। मेरेस्मस दो रोग हैं जो इसमें आते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है देखो बच्चों, ये भी क्या होता है? किड्स में होता है, यानी चिल्ड्रन में पाया जाता है। ये भी क्या होता है? चिल्ड्रन के अंदर। दोनों ही बच्चों में पाया जाने वाला रोग है। किसकी कमी से होता है बच्चों? तो ये कमी होती है प्रोटीन की कमी से होता है। इसके अंदर क्या होगा? क्वाशियोरकोर के अंदर बच्चे बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये रोग उन लोगों को होता है जिनके पास खाने पीने की कमी होती है, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं उनको ज्यादा ये देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? क्वाशियोरकोर के अंदर आपको स्वेलिंग ऑफ स्टमक, ठीक है, थोड़ा सा स्टमक इसमें सूजा हुआ सा दिखता है, और लेग्स, और आपके जो जो लेग्स होते हैं एंड आर्म्स, यानी कि आपके हाथ, हैंड,
ठीक है, हैंड भी लिख सकते हैं आम को, हैंड होते हैं, लेग होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं और टमी होती है, वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी सूजी हुई हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो बच्चों, प्रोटीन का काम क्या है, एक और काम होता है वाटर रिटेंशन का काम होता है, ठीक है। अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो वाटर रिटेंशन नहीं होगा, ठीक है। वाटर वाटर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर रिटेंशन कर जाएगा, सॉरी, है ना, रिटेंशन कर जाएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। आंखें थोड़ी बाहर सी हो जाएंगी और बिल्कुल कमजोर सा दिखने लगेगा बच्चा, ठीक है। अब मेरिस्मस की बात करते हैं, मेरिस्मस में क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी प्लस और दूसरे न्यूट्रिएंट, ठीक है, और दूसरे भी न्यूट्रिएंट की, यानी खाने पीने की, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, फैट की कमी हो जाएगी, प्लस प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो उसके अंदर भी बच्चा क्या होता है, फैटिक सा दिखता है, चक्कर आने लगते हैं उसको, ठीक है, परेशान से। थैंक यू JRS, ठीक है। नहीं नहीं कुंदन चौधरी, ऐसा कुछ नहीं है। संदीप कुमार यार, आप मेरे अकॉर्डिंग की बात नहीं होती, ठीक है। अगर एनसाइक्लोपीडिया में इस तरह का लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, तो मैं भी, मेरे से भी गलती हो सकती, जरूरी नहीं है कि मैं हर एक चीज पॉइंट टू दी पॉइंट ही बता रही हूँ। 4.2 कर लीजिए आप, ठीक है, 4.2 कर लीजिए। लेकिन कई बार एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें ना ऑप्शन में 4.0 ही था उसमें, ठीक है। तब उस केस में आप आंसर क्या करोगे बच्चों, 4.0 ही करोगे, ठीक है। अगर 4.2 आता है तो दैट्स क्लियर, दैट्स ओके, ठीक है। गुड इवनिंग के बैरवा, बड़ी लेट आया आज तो, ठीक है। चलिए अब मैं क्या बता रही थी, देखो आपको मेरिस्मस में क्या होगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लस आपके दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाएगी, और क्या लिख सकते हो डायरेक्टली आप, कैलोरीज कम हो जाएंगे। कैलोरीज मतलब ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी कि जो बच्चे खाना पीना ठीक से नहीं खा रहे हैं, जिनको सही से मिल नहीं रहा है खाना पीना, ठीक है। चलिए, तो खाना पीना जिन बच्चों को नहीं मिलता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उन बच्चों को कौन से रोग हो जाते हैं, एक तो है क्वाशियोरकोर और एक मेरिस्मस। देखो बच्चों, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है इन दोनों से, प्रोटीन डेफिशिएंसी पूछेगा तो ये दो रोग तो जरूर ही आएंगे, ठीक है, ये दो में से कोई एक तो पूछता ही है वो, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, फैट पे आ जाते हैं अब बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चों, फैट की बात मैं कर रही हूं, तो फैट लिख लीजिए सभी हेडिंग, फैट को हिंदी में लिखते हैं वसा और लिपिड भी लिखते हैं हम लोग, तो सभी हेडिंग डालेंगे फैट, देखो बच्चों सभी बोलते हैं आजकल, ऐसा बोला जाता है कि, ठीक है, हाँ हाँ मिला होगा डेफिनेटली, मैंने भी देखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं कि अगर फैट है, ठीक है, आजकल क्या है, आजकल ये थ्योरी बनती जा रही है कि फैट इज नॉट नेसेसरी फॉर ठीक है आवर डेली लाइफ, ठीक है, फैट हमें नहीं खाना चाहिए, इट विल क्रिएट सम इश्यूज लाइक हार्ट डिजीज, कोरोनरी डिजीज, ठीक है, आर्टरी ब्लॉकेज, बहुत सारे हृदय से रिलेटेड जो रोग होते हैं बच्चों, वो सब किस वजह से होते हैं, ज्यादा फैट खाने से। लेकिन ज्यादा फैट की बात नहीं हो रही, अगर आप ज्यादा खाओगे, ज्यादा डेफिनेटली जंक फूड खाए जा रहे हो, ठीक है, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, ठीक है, रोज पिज्जा खा रहे हो, चीज खा रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर हेल्थ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि डेली अमाउंट में आपको लिटिल अमाउंट, यानी कि 50 ग्राम फैट तो आपको जरूरी होता है, ठीक है, 50 ग्राम फैट इज वेरी नेसेसरी फॉर, किस लिए की बात कर रही हूं, डेली जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ चीजें बनती रहती हैं, डेली हमारी बॉडी में क्या है, फैट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये जरूरी है फैट की रिक्वायरमेंट। और बच्चों आगे चल के अभी पढ़ेंगे हम, फैट में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एक होता है HDL, एक होता है LDL, दोनों में फर्क पता करेंगे कौन सा फैट आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, ठीक है। तो बच्चों जब फैट की बात आ जाती है ना, तो फैट कैसे बना होता है, फैट लिपिड या वसा, क्लियर है, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। देखो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर, सपोज आपने कभी देखा होगा किसी मोटे को देखा होगा, ठीक है, कभी कोई मोटा, कभी कोई जा रहा हो तो उसको क्या है,
विंटर में देखना कभी किसी मोटे इंसान को सर्दी नहीं लगती, ठीक है? क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो फैट की लेयर है दैट इज वेरी थिक, ठीक है, थिक होती है। उससे क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या है, लूज नहीं होता इजिली। तो फैट का बेसिकली काम क्या हो गया, एज ए कुशन, गद्दे की तरह काम करती है, और एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि वो आपकी बॉडी से हीट को जल्दी से बाहर नहीं जाने देती, ठीक है, क्लियर है इतना। इसीलिए हम कहते हैं फैट क्या है, बहुत जरूरी है बॉडी के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए भी, ठीक है। अगर हम जैसे अगर विंटर में अगर हम पतले हैं तो हम ऐसे कर कुछ इस तरीके से कुकड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मोटा होगा डेफिनेटली ही विल एंजॉय विंटर, बिकॉज उसकी जो इंसुलिन वो जो सॉरी उसकी फैट की लेयर है दैट इज वेरी थिक, और वो उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी किससे, विंटर से, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं रियल फैट के बारे में आ जाते हैं। फैट कैसे बना होता है, देखो फैट जो बना होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है, इन दो चीजों से मिलकर ये बनता है, ठीक है। अब जब हम फैट खाते हैं बच्चों तो फैट क्या होगा, फैट आपका डिग्रेड हो जाता है, उसका अपगडन होता है, ठीक है। वो कैसे, फैट एज इट इज हमने खाया तो एज इट इज तो हमारी बॉडी के अंदर लग नहीं जाएगा जाके, तो वो कैसे बन जाता है, फैटी एसिड्स में बन जाता है और ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दो अणुओं में टूट जाता है, और ये जाके फर्दर आपके कहां, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, स्टोर कर जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब मैं इसको इसकी जब हम बात कर रहे हैं, हाँ, लाइपेज एंजाइम से इसका पाचन होता है। रजवी आपने डिलीट कर दिया मैसेज, लेकिन मैंने पढ़ लिया था, आपने हाय लिखा था और कहा था आई एम वेरी लेट, तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लीजिए हम लोगों को, ठीक है, इट्स ओके। अब देखो बच्चों, दो तरह का फैट होता है, फैट कितने तरह का होता है, दो तरह का। फैट को अगर मैं दो भागों में डिवाइड करूं तो एक होता है आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है, और एक होता है अनसैचुरेटेड, क्लियर है। अनसैचुरेटेड क्या हो गया, असंतृप्त, ठीक है, और एक हो गया संतृप्त। सैचुरेटेड मतलब कि उसमें आपके सारे के सारे 80 से 100 ग्राम तक प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या बता रही हूं, सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको सबको पता होगा घी है, बटर है, और क्या है, सबको दिख रहा है इतना ऊपर, बटर है, घी है, और क्या हो सकता है, कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल भी क्या है, सैचुरेटेड फैट। अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो जो भी वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल जो भी हम खा रहे हैं फॉर सब्जी में, सब्जी में सब खाते हैं ऑयल, ठीक है, तो उसके अंदर हम किस क्या यूज करते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये क्या होता है आपका अनसैचुरेटेड ऑयल, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क पता अगर पूछा जाए, ठीक है, फर्क पूछा जाए तो देखो, अगर सैचुरेटेड की बात करूं, आपको समझ नहीं आ रहा सैचुरेटेड कैसे, देखो अगर आप विंटर में देखोगे तो सैचुरेटेड घी भी जम जाता है, बटर भी जम जाता है, प्लस आप कोकोनट ऑयल को भी देखना, जब बहुत विंटर होती है तो वो भी जम जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैट, ठीक है। अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त, यानी कि वो आपका ना तो सर्दियों में जमता है ना गर्मियों में जमता है, ठीक है, कैसे रहता है, एज ए लिक्विड फॉर्म में रहता है, हमेशा ही वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब दोनों में आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब सैचुरेटेड फैट के अंदर देखो क्या क्या आता है, सैचुरेटेड फैट में देखो क्या आता है, एग्जाम्पल एलडीएल लिख सकते हो आप, एलडीएल, एलडीएल क्या होता है बच्चों, देखो यहां लिख देती हूँ, सैचुरेटेड में मैं बता रही थी सैचुरेटेड का क्या मतलब, एक एग्जाम्पल लिखा आ रहे तो क्या लिखोगे, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, आप सिर्फ इतना याद कर लो, एलडीएल का मतलब क्या है, लो डेंसिटी, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या है, घनत्व इसका कम है, ठीक है, लिपोप्रोटीन। अगर मैं कहूं अनसैचुरेटेड तो उसका एग्जाम्पल बताइए आप, तो क्या बताएंगे, एचडीएल, एचडीएल क्या होता है बच्चों, हाई डेंसिटी, जिसका घनत्व ज्यादा हो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, क्लियर है इतना। तो उसका घनत्व क्या है, हाई डेंसिटी का ज्यादा होता है, और लो डेंसिटी कैसी होती है, सैचुरेटेड फैट होती है, और ये हमारी बॉडी के लिए बुरी होती है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल भी लिखते हैं, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल,
आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जो हमारे बॉडी के लिए बुरा है, जो बॉडी के लिए क्या है अच्छा नहीं है, उसको क्या, उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, सैचुरेटेड फैट की कौन सी कैटेगरी हुई वो एलडीएल, ठीक है। एलडीएल क्या होता है, इसको लिखेंगे बैड फैट, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट, यानी कि जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। और हाई डेंसिटी क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वो गुड होती है शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। क्लियर है इतना? थैंक यू फॉर कुंदन चौधरी फॉर कमेंटिंग। चलिए अब हम देखिए, हाई डेंसिटी हो गया जिसको हमने क्या बताया बच्चों, हमने कहा है उसको कि आपका गुड फैट बोला है मैंने उसको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक आपने ऑलिव ऑयल जो सुना होगा आपने, और एक ऑयल जो होता है आपका वेजिटेबल ऑयल जो होता है, उसमें आप क्या करते हो बच्चों, उसमें आपको क्या बोलते हैं, पूफा लिखा होता है वेजिटेबल ऑयल में। पूफा क्या होता है बच्चों, पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। क्या होता है बच्चों, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। चलिए अब हम धीरे धीरे आ जाते हैं इसी पॉइंट पे, क्या बता रही हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आपका जो होता है। सैचुरेटेड का मतलब सबको पता चल गया, और अनसैचुरेटेड का मतलब भी सबको पता चल गया। सैचुरेटेड क्या होता है, ठोस जो वसा होती है, ठोस, ठीक है। सैचुरेटेड को आप हिंदी में और अच्छे से डिफाइन करोगे तो लिखेंगे ठोस वसा, ठीक है। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हो गया बच्चों, तरल वसा, तरल मतलब जो लिक्विड फॉर्म में रहती है हमेशा, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो ठोस वसा, ठीक है, जैसे कि घी है, और ये क्या है, तरल यानी कि लिक्विड वसा, क्लियर है। अब बात करेंगे हम, एक पूफा करके एक टर्म आती है, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, अनसैचुरेटेड यानी बहुत सारे, अनसैचुरेशन यानी कि अनसैचुरेशन बच्चों क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इसमें बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, और दैट एक्चुअली इज गुड फॉर अवर हेल्थ, ठीक है, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अब क्या बताऊंगी मैं कि जो फैट होती है बच्चों, फैट बेसिकली डिजोल्व किस में होती है, वाटर में होती है, नहीं होती, ठीक है। तो क्या लिखोगे एक पॉइंट, वाटर इनसॉल्युबल होती है फैट, वाटर इनसॉल्युबल यानी कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्लियर है इतना। अब क्या बोलेंगे हम, दूसरा पॉइंट, तो किस में घुलती है, तो आप बताओगे ये अल्कोहल में, अल्कोहल, और किस में, क्लोरोफॉर्म में भी, CHLORO, क्लोरोफॉर्म के अंदर भी ये क्या होती है, घुलनशील होती है, ठीक है। अब क्या बताएंगे, देखो फैट जो होती है ना, देखो फैट बच्चों, अगर मैं कहूं एनिमल फैट, ठीक है, एनिमल फैट की अगर हम बात करते हैं तो किससे मिलता है वो, आपको एनिमल से मिलता है। अगर आप मीट देखोगे तो उसके अंदर जो फैट होता है वो कैसा होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट किस में होता है, मीट के अंदर होता है, जो हमें एनिमल से मिलता है। अगर मैं कहूं अनसैचुरेटेड फैट की बात करती हूं, तो वो बच्चों क्या होता है, मोहम्मद नूर मोहम्मद, मेरा क्लास डेली नहीं होता है, मेरा क्लास जिन लोगों ने कोर्स परचेस किया हुआ है, वेबसाइट पे क्लास डेली चलती है, ठीक है। अब मैं क्या बता रही हूं बच्चों, मैंने कहा अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व होता है, और क्या बता रही थी, हाँ मैं बता रही थी आपको कि जो एनिमल होता है, एनिमल से मिलता है हमें सैचुरेटेड फैट, ठीक है, सैचुरेटेड। और प्लांट की अगर बात करूं तो प्लांट से हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल ऑयल, तो ये क्या है आपका, अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट। क्लियर है इतना। अब हम आगे मूव करते हैं इसमें, ठीक है, सभी को पता चल गया होगा अभी, घी है, बटर है, ये सब किस में आएगा बच्चों आपका। चलिए अब है फैटी एसिड, जो फैट होते हैं,
एक होता है आपका असेंशियल और एक होता है आपका नॉन असेंशियल, ठीक है। फैट भी दो तरह के होते हैं। असेंशियल कौन सा होता है बच्चों? जो कि हमें फूड से लेना होता है, आपके खाने में उसको जरूर होना चाहिए, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, ठीक है, क्लियर है। फैट कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक होता है असेंशियल और एक कैसा होता है? नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल का मतलब मैंने पहले भी बताया, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, बॉडी सिंथेसाइज करती है, ठीक है, सिंथेसाइज करती है, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी इसको बना लेगी अगर हम नहीं खाएंगे बाहर से, ठीक है। लेकिन एसेंशियल वाले कौन से हैं? जो हमारी बॉडी को बाहर से लेने ही पड़ेंगे। किसके द्वारा? डाइट के द्वारा। आप अपनी जो भी खाना खाते हो उसके द्वारा हमें लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपकी बॉडी इनका सिंथेसिस नहीं करती है, ठीक है। चलिए अब मैं बता रही हूं, इसमें देखो, एक होता है अल्फा लिनोलिनिक एसिड, ठीक है, ये आता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है, जो हायर एग्जाम्स होते हैं पीसीएस वगैरह के, उसमें पूछ लिया जाता है आपका अल्फा लिनोलिनिक एसिड कैसा है, तो आप बताएंगे असेंशियल, यानी कि हमारी बॉडी इसका सिंथेसिस नहीं करती है, ठीक है। अब आइए आप दूसरा देखिए, एक होता है लिनोलेइक, स्पेलिंग देखिए दोनों में, दोनों में फर्क है, एक लिखा है लिनोलेनिक और एक है लिनोलेइक, LINOLEIC, ठीक है, लिनोइक एसिड। तो ये क्या है बच्चों? दोनों ही आपके कैसे हैं? नॉन असेंशियल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लिनोलिनिक एसिड को हम क्या कहते हैं बच्चों? ओमेगा 3, ठीक है। ओमेगा 3 क्या है आपका? नॉन असेंशियल कैटेगरी में, ये असेंशियल वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए, एक होता है आपका अल्फा लिनोलिनिक एसिड, ये क्या है? ओमेगा 3 है, ठीक है, ये क्या है? ओमेगा 3 है, और इसके अंदर भी एक दो आते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ईपीए और डीएचए, ठीक है। ये भी आपने नाम देखो, आपने कभी फिश ऑयल वाली, अगर फिश की जो टैबलेट्स आती हैं, क्योंकि ये फिश से मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं फिश ऑयल। ओमेगा 3 जो होता है फिश से प्राप्त किया ऑयल है और हमारी बॉडी के लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है, आवश्यक फैट है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है? ये दो टर्म लिखी होगी, एक होता है ईपीए, एक होता है डीएचए, ठीक है। ईपीए को कहते हैं इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ईपीए। और डीएचए को क्या बोलते हैं? डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। दोनों में फर्क पता चल गया, एक होता है आपका इकोसा पेंटेनोइक एसिड और एक होता है डोकोसा ये मैंने दोनों नाम लिखे हैं। देखो ओमेगा 3 में क्या आ गया आपका? एक तो आता है लिनोलिनिक एसिड, ठीक है, और एक क्या आ गया ओमेगा 3 में? ये दो भी आते हैं, ठीक है, तीन है टोटल ओमेगा 3 के अंदर। एक होता है आपका लिनोलिनिक एसिड और दूसरे कौन से लिखे हैं मैंने? ईपीए एंड डीएचए। आजकल ये मार्केट में भी टैबलेट की फॉर्म में आते हैं और उन पे प्रॉपर लिखा होता है कि ईपीए इतना है और डीएचए कितना है, इतना अमाउंट है, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ईपीए की क्या लिखी फॉर्म? इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डीएचए मतलब डोकोसा हेप्टेनोइक एसिड। इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बस फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूं। ओमेगा 3 क्या होता है आपका? असेंशियल अमीनो एसिड में आता है, ठीक है, जिसके अंदर आप नाम ये याद कर सकते हो, दो, अल्फा लिनोलिनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड, ठीक है, दो, क्लियर है, दोनों नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, बहुत टफ वर्ड है ये, आप छोड़ दीजिए, आपको आप बस इतना याद रख लीजिए, ईपीए होता है और एक डीएचए होता है, ये दो मैंने इसलिए अलग रखे हैं क्योंकि ये मैरीन किंगडम से मिलता है, जो भी मैरीन जो समुद्री जानवर है उनकी बॉडी से ये निकाला जाता है, ठीक है। और ये क्या बताया मैंने? अल्फा लिनोलिनिक एसिड, ये आप याद कर लीजिए, लिनोलिनिक एसिड प्लस लिनोइक एसिड, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए
अब बच्चों देखो हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन एक आध टर्म्स एग्जाम में और आ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट। हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। क्या होता है ये हाइड्रोजिनेशन, इसमें क्या होता है बच्चों? देखिए अनसेचुरेटेड जो फैट होते हैं ना आपके, अनसेचुरेटेड फैट जो मैंने बता रही थी, ऑयल वगैरह हो गए, वेजिटेबल ऑयल है, उसमें क्या होता है बच्चों? अनसेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड असंतृप्त फैट, इसको क्या करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की मदद से, प्लस इसमें कंपाउंड यूज होता है कोबाल्ट नाम का एक मेटल यूज होता है, सॉरी निकल, निकल लिख लीजिए, निकल नाम का एक जो मेटल है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा निकल, तो निकल क्या होता है? यस यू कैन वॉच अवर पेड वीडियो ऑन फोन, ठीक है, फोन पे आराम से देख सकते हो अंकुर चौधरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। मैंने क्या बताया, अनसेचुरेटेड फैट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेचुरेटेड फैट में, यानी कि जो आपका सेचुरेटेड फैट, ठीक है, जो आपका वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल कैसा है? असंतृप्त वसा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म का होता है, और ये कैसा होता है? यहाँ सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड जो फैट होता है, हाँ निकिल मेटल होता है पूजा, हाँ निकिल मेटल होता है केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने सबने पढ़ा होगा निकिल क्या है, मेटल है, और वो क्या करता है बच्चों? आपका अनसेचुरेटेड जो फैट है, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हाइड्रोजन गैस उसमें पास की जाती है, उसके बाद वो क्या बन जाता है आपका? सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या बन जाती है? हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ये, ठीक है, वो हाइड्रोजिनेशन मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन में क्या हो गया? देखो हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, वर्ड को पकड़ो आप, हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन इसमें यूज हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन पास की गई है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। तो जो अनसेचुरेटेड फैट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया आपका? सेचुरेटेड फैट में। और जो आपका लिक्विड फॉर्म का ऑयल था, जो अनसेचुरेटेड की मैं बात कर रही हूं, वो कैसा बन गया आपका? सेमी सॉलिड फॉर्म में बन गया है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि हाइड्रोजन गैस पास होती है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के अंदर, और प्लस क्या होता है आपका जो तरल वाला वसा है, अनसेचुरेटेड फैट है, असंतृप्त वसा है, वो किसमें बन गई आपकी? संतृप्त वसा, यानी कि सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में बन गई है, ठीक है। और एक और बात, इसमें निकिल मेटल का यूज होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब आ जाइए एक और टर्म्स आपसे पूछ लेते हैं, ट्रांसफैट क्या होते हैं? ट्रांसफैट, ट्रांसफैट देखो बच्चों एक अनकॉमन टाइप ऑफ फैट है, ठीक है। ट्रांसफैट जैसा कि आपको नाम पता लग रहा है, जैसे नॉर्मली हमारे जो फैटी एसिड होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, तो आपको पता है कि नॉर्मल हमारे अनसेचुरेटेड एसिड जो हम फैट पढ़ते हैं, अनसेचुरेटेड वाले वेजिटेबल ऑयल्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, लिक्विड फॉर्म वाले जो ऑयल्स होते हैं, जैसे इसमें वेजिटेबल ऑयल का मतलब कुछ भी हो सकता है, कैनेला ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, ठीक है, सरसों वाला ऑयल भी इसी में आ जाएगा, सभी ऑयल्स में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, अनसेचुरेटेड वाले जो फैट नॉर्मली होते हैं उनकी सिस कन्फ्यूग्रेशन होती है, सिस, ठीक है, सिस मतलब आप केमिस्ट्री में ये जान लीजिए कि कोई कंपाउंड है और उसमें अगर कार्बन यहां है और हाइड्रोजन यहां है, ठीक है, एक ही साइड में, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप एक्स है, सपोज यहां पर एक्स है तो यहां भी एक्स वन है, यहां एक्स टू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूं केमिस्ट्री में, आप पढ़ेंगे ये अच्छे से, सिस क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सिमिलैरिटी होती है, जैसे हाइड्रोजन इस तरफ है तो इधर भी इधर है। अगर मैं ट्रांस की बात कर देती हूं तो क्या हो जाएगा, ये सी, तो एच यहां चला गया, एच यहां चला गया, और एक्स वन आपका फंक्शनल ग्रुप यहां, एक्स टू यहां, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? ट्रांस हो जाता है एक तरीके से, ट्रांस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आपको फंक्शनल ग्रुप कहां दिख रहे हैं? अपोजिट में। हाइड्रोजन कहां दिख रहा है? अपोजिट में। यहां क्या है, देखो एक ही तरफ है ना दोनों चीजें, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस, ठीक है, ठीक है। ट्रांस जो होता है आपका, ट्रांस फैटी एसिड कैसे होता है? अब मैं बात कर रही हूं ट्रांस फैटी एसिड की, ठीक है, ट्रांस फैट्स,
ये बहुत ही अनकॉमन टाइप ऑफ फैट है जो किस लिए यूज होते हैं आपको पता है। देखो आजकल आप पिज्जा बर्गर और ये सब खाते हो मैकडोनल्ड में जाके ना, उसमें भी ये यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्ड फैट, ठीक है, और इट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, ठीक है, ये भी ये ध्यान रख लो, ये अच्छे नहीं होते, ये बहुत ज्यादा खराब होते हैं, आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। क्लियर है सभी को? तो आपको क्या पता करना था इसके अंदर, जो आपकी ये ट्रांसफैट बेसिकली क्या होते हैं, लाइफ बढ़ा देते हैं किसी भी पैकेज्ड फूड आइटम की, जो भी जितने भी आप पैकेज वाले फूड पैकेज्ड फूड आइटम है आपके, ठीक है, पैकेज्ड फूड आइटम में ट्रांसफैट का यूज किया जाता है, ठीक है। आजकल एक बटर की जगह भी मार्ग्रेन मार्जराइन या मार्ग्रेन करके उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी एक बटर की तरह काम करता है, लेकिन होता क्या है, वो ट्रांसफैट होता है जो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान करता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है ट्रांसफैट क्या होता है बच्चों, एक टाइप का क्या है, अनसेचुरेटेड ट्रांसफैट की मैं बात कर रही थी, जो पैकेट ट्रांसफैट क्या होता है, इट इज ए अनकॉमन टाइप ऑफ फैट, ठीक है, जल्दी से नहीं मिलते, और ये कैसे होते हैं, ट्रांस अनसेचुरेटेड फैट है ये, ठीक है। एक होता है सिस अनसेचुरेटेड जो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, ट्रांस फैट जो होते हैं, ट्रांस अनसेचुरेटेड फैट बोल लो या ट्रांस फैट बोल लो, एक ही बात है, ये कैसे होते हैं, अनकॉमन टाइप के होते हैं, और क्या है, ये जो आजकल पैकेज फूड इंडस्ट्री है, पैकेट वाले फूड होते हैं, उनमें क्या है, जो फूड जैसे बना बनाया आ रहा है आजकल मार्केट में, सबको सप्लाई बनी बनाई आती है, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी ट्रांस फैट का यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड वाले आजकल क्लेम करते हैं कि वो ट्रांस फैट यूज नहीं करते, बट वो ट्रांस फैट यूज करते हैं, ठीक है, पहले वो करते थे तो इतनी जल्दी तो रिप्लेस नहीं करेंगे, तो दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि ट्रांस फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और क्या है, अनकॉमन टाइप ऑफ फैट है, और क्या है, ट्रांस अनसेचुरेटेड फैट भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है, एक प्रकार का ऑयल है, जैसे कि आपके रेडी वाले होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या ऑयल यूज करते हैं, वो भी कैसे होते हैं, ट्रांस फैट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे बच्चों, एक आती है रेंसिडिटी, आप लिखेंगे, एक टर्म और पूछी जाती है रेंसिडिटी, कमेंट करके थोड़ा बच्चे बताओ रेंसिडिटी क्या होती है, अगर पढ़ा हो किसी ने तो, रेंसिडिटी बच्चों क्या होती है, हाँ सही लिखा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, रेंसिडिटी एक टर्म आ जाती है आजकल, रेंसिडिटी, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है, या तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा या इनकम्प्लीट पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल, ठीक है, पूजा ने सही आंसर किया है, रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, इट इज ए इनकम्प्लीट और सम टाइम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल, जो भी फैट और ऑयल है अगर वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, ऑब्वियसली जब ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। जब आपका घी होता है, बहुत पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, घी को क्या करते थे, स्टोर कर देते थे, ठीक है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो घी सही होता था, लेकिन अगर उसको देखो, अगर वो डिब्बा एकदम टाइटली पैक्ड है, अगर एयर उसमें नहीं जा रही है तो इट्स गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर रेंसिडिटी हो जाए, क्या बोलते हैं हम रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन हो जाए उस घी का या ऑयल का, उसमें बार बार ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, आपका पदार्थ जो होता है खाने का, रेंसिडिटी देखो सभी के लिए यूज होती है, लेकिन मैं बेसिकली यहां पर सभी फूड के लिए भी यूज होती है, लेकिन मैं यहां पर फैट की बात कर रही हूं, तो मैं उसके संदर्भ में आपको बता रही हूं कि जब हमारा रेंसिड होता है फूड तो उसे नहीं खाना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, और इट मे कॉज योर कैंसर प्रॉब्लम को भी ये क्रिएट कर देता है। समटाइम हम कहते हैं ना कि हमारी मदर बोलती है कि बाहर का खाना मत खाओ, क्यों नहीं खाओ,
ठीक है, रेडी वाला जो तला हुआ तेल होता है वो बार बार तलते रहते हैं उसको, ठीक है, बार बार उसको क्या एयर से एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है, उसको गर्म कर रहे हैं इतने ज्यादा टेम्परेचर पे, वो जब गर्म होता है तो बार बार क्या होता है बच्चों, उसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का निर्माण होता है। रिएक्टिव जो स्पीशीज होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की स्पीशीज बनने लग जाती है, जो क्या करती है रिएक्शन करती है और क्या करती है आपका कैंसर कॉजिंग होती है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब मैं यही बता रही हूं कि जो रेंसिड हो जाता है तो वो खराब हो जाता है, इसको हम लोकल जो लेमन के लैंग्वेज में है हम कह देते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है, स्पॉइलेज ऑफ फूड। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्लस लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, प्लस एयर जो भी आपके टेम्परेचर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, तो ये सब क्या है कारण है किसके, रेंसिडिटी होने के। रेंसिडिटी का बेसिकली क्या है, जैसे हम कहते हैं ना लोहे में जंग लग जाती है, किस वजह से, अगर लोहे को आप बाहर छोड़ दो, ठीक है, पानी उस पर पड़ गया, उसके ऊपर हवा भी कंटिन्यूस आ रही है, तो क्या होगा उसके अंदर जंग लगने लग जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्या होता है हमारे फूड में भी, अगर कंटिन्यूस आप एयर की सप्लाई करते रहो, लाइट उसको बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, लाइट आ रही है उसके ऊपर और ठीक है एयर भी उसको मिल रही है, तो वो क्या होगा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, उसका बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीकरण बोलते हैं हिंदी में, जब शुरू हो जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका खराब, धीरे धीरे वो खराब होने लग जाता है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हमें याद रखना है क्या होता है रेंसिडिटी, बेसिकली इट इज ए कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है, और क्या कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस हो जाना, ठीक है, एयर लाइट और मॉइस्चर की प्रेजेंस में। अब हम बात करेंगे, देखो बच्चों फैट जो होता है ना हमारी बॉडी में वो कहाँ स्टोर होता है, तो आपको बताना है एडिपोज टिश्यूज के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। एडिपोज उत्तक होते हैं, ज्यादातर कहां पर होते हैं, बम्स एरिया में होते हैं, ठीक है, चीक्स पर होते हैं, आपके थाइज में होते हैं, ये क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, और वहां पर क्या होता है एडिपोज टिश्यूज होता है। आपका जो भी आप फैट खाते हो वो बर्न नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, वो क्या करता है सीधे स्टोर होने चला जाता है, तो वो कहां स्टोर होता है बच्चों आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर, ठीक है, क्लियर है इतना। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हमारा ये हो गया है अभी, अब हम देखें फाइबर्स की मैं बात करूंगी, ठीक है, किसकी बात करूंगी मैं, फाइबर, चलिए बच्चों अब हम क्या बात करेंगे, हाँ एडिपोज टिश्यूज मसल्स में भी होता है, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करेंगे आपके सारे फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट है हमारा, पहले हमने कार्बोहाइड्रेट किया, फिर उसके बाद हमने फैट किया है, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड देन फैट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपसे फाइबर्स के बारे में, फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों, फाइबर देखो आप जितनी भी सब्जियां लाते हो ना मार्केट से, जितनी भी सब्जी हो गई आपकी, चाहे वो खीरा हो, तोरी हो, टिंडा, भिंडी, जो भी हो ना, सभी सभी के अंदर क्या होते हैं फाइबर होते हैं, ठीक है, सभी के अंदर क्या होते हैं फाइबर होते हैं। आपको जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं आपको कि आप अपने फूड के अंदर सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह का ज्यादा आप यूज करो, ठीक है, फ्रूट और सब्जियां ज्यादा खाएं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका फाइबर होता है। बेसिकली होता क्या है, जो भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, जो भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, फूड पाइप है जिसके अंदर आप खाना खा रहे हो डेली, उसको सही रखने के लिए एक्चुअली आपको क्या होते हैं फाइबर की जरूरत होती है। और वो क्या करते हैं बच्चों, वो आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं जो आपकी इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, एलिमेंट्री कैनाल से, जो आपकी आंतों से रिलेटेड है, वो सब कौन ठीक करता है, तो फाइबर ही ठीक करता है। तो इट इज ए वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट के लिए। और चलिए अब हम यहां सभी लिख लीजिए फाइबर, फाइबर किस में पाया जाता है, तो वेजिटेबल्स के अंदर होता है, ठीक है, आपके फ्रूट्स में भी होता है, ठीक है,
फ्रूट्स में होगा, वेजिटेबल्स में होगा, डाइटरी फाइबर्स होते हैं इसमें भी, पता है एक होता है सोल्यूबल फाइबर जो आपका सोल्यूबलाइज हो जाता है, ठीक है। एक जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो किसमें होते हैं, आपके लेग्यूम्स में होते हैं, ठीक है। लेग्यूम बीज वाली जो होते हैं आपके लेग्यूम्स के अंदर हो जाएंगे, बीज वाली जितनी भी फलियां होती है उन सब में होते हैं, ओट्स में होता है, ठीक है। ये क्या है आपके सोल्यूबल फाइबर है। इन सोल्यूबल फाइबर कैसे होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर उसका क्या है डाइजेशन नहीं हो पाता। जैसे अपन अगर सपोज आपने कभी प्लांट खाया हो, पेड़ कभी कोई वैसे तो खाते नहीं है, क्यों नहीं खाते, एनिमल्स वो खाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो एंजाइम होता है जो उन पेड़ को पचाता है, ठीक है। पत्ते अगर कोई खा रहा है सपोज, तो पत्तों के ऊपर आपको पता है सेल्यूलोज होता है, क्लियर है आपके, आपको पता है पत्तियों के ऊपर। मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था जो पिछली क्लास थी उसमें साइटोलॉजी में पढ़ाया था कि जो सेल होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। उसके आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। तो डेफिनेटली अगर वो प्लांट खा रहा है कोई जानवर तो उसके अंदर कोई एंजाइम होगा, तभी तो उसकी कोशिका भित्ति को पचा रहा है, ठीक है। सेल वॉल को पचाने का काम कौन करता है, सेल्यूलोज है सपोज उसके अंदर सेल्यूलोज पड़ा हुआ है तो उसको पचाने का काम कौन करेगा, सेल्यूलेज नाम का एंजाइम, सेल्यूलेज। ये हमारी बॉडी के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए ही हम क्या है बच्चों, देखो जब भी सपोज आप खाना, कभी पेड़ पौधे तो आप खा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अगर खाओगे ना तो आपके वो पचेगा ही नहीं, वो एज इट इज आपका रफेज के फॉर्म में निकल जाएगा, आपका जब वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू वो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में वो एंजाइम ही नहीं है जो उसका पाचन कर सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल फाइबर। डायरेक्टली प्लांट की पत्तियां हैं वो क्या है, इनसॉल्युबल फाइबर है। आपने ड्रम स्टिक देखी होगी, ठीक है, ड्रम स्टिक सभी जानते होंगे, सहजने की फली बोलते हैं शायद उसको, सहजने की फली जो होती है, ड्रम स्टिक कैसी होती है, बहुत टाइट टाइट हो जाती है। तो अगर उसको खाते हो तो आपसे पहली बात तो खाई नहीं जाएगी, अगर बाय चांस खा भी ली तो वो आपकी बॉडी में पचेगा नहीं, वो एज इट इज निकल जाएगा, ठीक है। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज नाम के जो सेल्यूलेज नाम का एंजाइम है वो है ही नहीं, ठीक है। तो इनसॉल्युबल फाइबर बेसिकली क्या होता है, किसका निर्माण करता है, रफेज का निर्माण करता है, किसका, रफेज, 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 रफेज आपको पता होगा, अगर हिंदी में सबको पता हो रफेज कैसा होता है, तो बच्चों रफेज कैसा होता है, रफेज एक प्रकार का क्या है, इनसॉल्युबल फाइबर है। किसका काम करता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल को, आज से बाहर का फूड बंद, वाह बड़ा अच्छी जल्दी डिसीजन ले लिया, बढ़िया है, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, घर का खाना इज बेस्ट, सबको पता है, हाइजीनिक से भी बाहर के क्या पानी यूज कर रहे हैं कुछ नहीं पता किसी का, ठीक है। चलिए, रफेज बनाता है आपका, कौन बनाता है, इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है, आपका किस तरीके से काम करता है बच्चों, फाइबर की अगर मैं बात करूंगी ना, देखो फाइबर क्या होता है, आपकी, आप ये समझ लीजिए, आपकी एलिमेंट्री में झाड़ू लगाने का काम कौन करता है, फाइबर करता है, ठीक है। ये आप याद रखना, झाड़ू लगाने का काम यानी सफाई करने का, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको क्लीन करने का काम कौन करता है, फाइबर करता है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर फूड और अवर डाइट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स होता है, और क्या हो सकता है, नट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसमें भी रफेज होता है, ठीक है, नट्स हो गए आपके, क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों हमारा ये भी हो गया है, अब वाटर की बात कर लेते हैं थोड़ी, लास्ट पॉइंट हमारा पांचवा रह गया है, एक वाटर जिसको हमने मैक्रो आजकल कंसीडर किया जा रहा है, वाटर को भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, क्यों बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर होता है ना, देखो वो क्या काम करता है, हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन निकालता है, कैसे, अगर स्वेटिंग हो रही है तो स्वेटिंग के थ्रू, अगर यूरिनेशन हो रहा है, अगर बार बार में आप यूरिन कर रहे हो तो उससे भी क्या है, आपके क्लीनिंग हो रही है बॉडी की, ठीक है। तो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल अगर बॉडी के अंदर है वो भी कैसे निकल जाएंगे, वाटर के थ्रू। और क्या है, सेल की एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक टर्जर प्रेशर होता है, उसको मेंटेन कौन करता है, आपका वाटर करता है, ठीक है, टर्जिडिटी मेंटेन भी वाटर करता है, ठीक है। तो वाटर क्या है, सारी जो क्रियाएं हो रही है शरीर के अंदर, जो भी आपका कैटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, जो भी होता है बॉडी के अंदर, आपके एंजाइम कैसे काम कर रहे हैं, आपका पाचन कैसे हो रहा है, तो वो सब किसकी वजह से है, वाटर की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। इट इज अ मीडियम, आपका ब्लड है तो ब्लड के अंदर भी वाटर है, ठीक है। तो ये बहुत एसेंशियल हो गया है वाटर का होना भी, यानी कि आपको 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, या कह सकते हैं 3 लीटर ऑफ वाटर डेली रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है।
ध्रुव कुमार नागर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के लिए आप उस पर लॉग इन कर लीजिए वेबसाइट पे और कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। एनटीपीसी का कोर्स ऑलरेडी रनिंग है उस पर आपकी ई अकेडमी साइट पे www.eacademyeducation.com पर, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखो, हमने ये सारा तो हो गया हमारा, अब आता है विटामिन्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, विटामिन्स की बात करेंगे। विटामिन जो होती है क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड है ये, और क्या करते हैं बच्चों, ये बहुत ही एक माइक्रो क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। माइक्रो क्वांटिटी यानी कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें विटामिन आता है, ठीक है, क्लियर है। तो विटामिन क्या होता है बच्चों, ये है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और कैसे चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी इनकी चाहिए होती है हमारी डाइट में, ठीक है। बहुत सारे विटामिन हैं जिनके बारे में हम एक अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, तो सारे अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डिस्कवर्ड बाय फंक नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी, नाम दिया था इनको डिस्कवर्ड, और नाम किसने, इन्हीं ने दिया था इनको ना, फंक ने खोजा था विटामिन्स को, ठीक है, उनके बारे में बताया था फंक ने, ठीक है। फंक कौन है, साइंटिस्ट हैं आपके, ठीक है। थैंक यू आकाश मिश्रा, अरे यार अमेजोन पे पड़ी हुई है, टी शर्ट ले लो, कहीं से भी ले लो, अमेजोन पे मिल जाएगी। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम विटामिन्स के बारे में कर रहे थे तो शुरू से करते हैं। विटामिन्स सभी हेडिंग डालेंगे, विटामिन्स क्या होते हैं, अभी अभी मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक पदार्थ हैं, रिक्वायर्ड इन मिनिमम क्वांटिटी या माइक्रो, यानी कि रिक्वायर्ड इन मिनिमम माइक्रो क्वांटिटी, यानी कि बहुत कम आपको सूक्ष्म चीजों में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत मतलब सूक्ष्म क्वांटिटी में आपको जरूरत होती है, ठीक है। दो तरह के विटामिन होते हैं बच्चों, देखो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है फैट सोल्यूबल, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल का क्या मतलब है यहाँ पर, जो जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग, बड़ी लेट आए आज, फैट सोल्यूबल का क्या मतलब होता है बच्चों, फैट सोल्यूबल का मतलब होता है कि वसा में घुलनशील। एक होता है वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में घुलते हैं, पानी में घुलनशील हो गया, एक हो गया फैट सोल्यूबल, ठीक है, वसा में घुलने वाले। अब इसमें लिखिए ए डी ई के, कौन कौन से विटामिन बताया मैंने, विटामिन ए डी ई और के, ये कैसे होते हैं बच्चों, फैट सोल्यूबल, यानी कि अगर ये हम खाते हैं तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए बच्चों आपको, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको चाहिए वसा यानी कि फैट चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल क्या होता है, जो कि पानी में घुलनशील वालों की मैं बात कर रही हूं, तो क्या हो गया बी एंड सी, ठीक है। बी क्या है, बी कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर हम सभी पढ़ेंगे B1, B2, B3, ठीक है, B6, B7, B9, ठीक है, ये सभी क्या है, बी कॉम्प्लेक्स। तो आपको कैसे याद रहेगा,
वाटर सोल्यूबल कैसे याद रखोगे, डब्ल्यूबीसी से याद रखो। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, लेकिन यहां भूल जाओ कि हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं वाटर सोल्यूबल वाली कौन सी है, डब्ल्यू से वाटर और बी और सी तो है ही एकदम बी और सिक्वेंस में है बी एंड सी, तो क्या हो गया विटामिन बी और विटामिन सी कौन सी हो गई, वाटर सोल्यूबल। ठीक है चलिए अब है मैंने क्या बताया कि मैंने बताया फैट सोल्यूबल है कौन कौन सी है, ए डी ई के याद रखना ये पूछा जाता है। ठीक है चलिए अब एक एक करके बच्चों हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा वाटर सोल्यूबल में मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमको फ्रिक्वेंटली चाहिए होते हैं। ठीक है ए डी ई के का क्या मतलब है, जो फैट सोल्यूबल है यानी कि ये क्या है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है कैसे रहते हैं, वसा के साथ, वसा के जो अणु होते हैं, लिपिड के जो अणु होते हैं, फैट के जो मॉलिक्यूल हैं उनके साथ ये स्टोर रहते हैं किसमें, एडिपोज टिश्यूज में, और कहां स्टोर रहते हैं लिवर के अंदर। ठीक है यकृत के अंदर ये क्या होते हैं, यकृत के अंदर ये स्टोर होते हैं। और वाटर सोल्यूबल की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं, फ्रिक्वेंट हमें खाते हैं इनको, और क्या होते हैं तुरंत ये यूरिन के थ्रू बाहर भी निकल जाते हैं, जितना हमारी बॉडी को चाहिए फॉर फंक्शन वो उतना ले लेंगे और एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर निकल जाएगा। तभी तो हम कहते हैं कि जितना भी हम नींबू पानी पी लें हमें कोई मतलब एक्सेस में कुछ नहीं होता नींबू पानी। ठीक है आप दो ग्लास पियो चार ग्लास पियो, जितना आपकी बॉडी को चाहिए वो कंज्यूम कर लेगी। ठीक है और बाकी सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है क्लियर है इतना, लेकिन ठीक है संडे को स्पेशल क्लास कर देंगे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है चलिए तो ये मैंने क्या बताया, जो वसा में घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं आपके यकृत यानी कि लिवर में स्टोर होते हैं, याद रखना ये बात, ये पॉइंट आ जाता है कई बार, लिवर में स्टोर रहते हैं कौन से, ए डी ई के। ठीक है विटामिन ए डी विटामिन ई विटामिन के। और जो वाटर सोल्यूबल है बच्चों देखो उसमें भी सी जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होता और बी में भी नहीं स्टोरेज होता क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है अब एक पॉइंट लिखिए इसमें, जो B12 होता है, B12 होता है ना बच्चों वो हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होता है। कैसे होता है सभी बच्चों को पता होगा, ई कोलाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है इसका सिंथेसिस करता है। ई कोलाई क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है ये क्या है एक तरह का बैक्टीरिया, कहां पाया जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है बच्चों, ये आपका B12 का कंटिन्यूअस निर्माण करता रहता है। ठीक है संजीव सिंह, फैट इज इक्वलेंट टू घी एंड ऑयल। ठीक है ऑयल को हम सिंपली कह देते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड यानी कि लिक्विड वाला ऑयल। ठीक है और अगर सेचुरेटेड की बात करूंगी तो घी हो जाता है फैट आपका। ठीक है चलिए अब मैंने क्या बता दिया, ये दोनों बता दिए, सबको क्लियर है इतना। अब हम बात करेंगे, देखो क्वेश्चन बच्चों कहां से पूछते हैं विटामिन में, एक तो आपको पूछा जाता है केमिकल नाम। ठीक है केमिकल नेम पूछा जाता है हमेशा, रासायनिक नाम पूछा जाता है, और प्लस एक क्या होता है कि उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है अगर मैं विटामिन ए की बात करती हूं तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका केमिकल नेम बताइए। ठीक है एक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, या सिंपली लिखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस है क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और पूछ लेंगे ये किसकी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है तो चलिए अब एक एक करके हम लिखते जाते हैं, सबसे पहले लिखोगे बच्चों ए, विटामिन ए के बारे में लिखेंगे हम, विटामिन ए मैं सिंपली यहां नेम लिख देती हूं, नाम विटामिन का नाम है, और केमिकल नेम लिख देते हैं यहां, ये ही पूछा जाता है अक्सर आपसे एग्जाम में। और क्या पूछा जाता है, डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, डेफिशिएंसी क्या कॉज करता है ना। ठीक है कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है विटामिन ए से होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन ए का केमिकल नाम पूछो तो क्या बोलोगे रेटिनॉल। इससे क्या होता है डेफिशिएंसी से बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है नाइट ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है बच्चों, कि आपको रात में थोड़ा थोड़ा सा मतलब आपको कम दिखने लग जाएगा, दिन में दिखेगा नो डाउट, लेकिन रात में जो आपकी देखने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है चलिए अब मैं बोल रही हूं दूसरा रोग कौन सा होता है,
जीरोथैल्मिया, थैल्मिया, ठीक है, क्या है ये जीरोथैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस का सबको मतलब पता चल गया, रात में कम दिखना, ठीक है, नाइट मीन्स रात और ब्लाइंडनेस मतलब रात में अंधा हो जाना, ठीक है। जीरो मतलब क्या होता है बच्चों, जहां भी जीरो टर्म आती है ना, जीरो बायोलॉजी में जीरो का मतलब होता है ड्राई, सूखा, ठीक है। और ये किससे बना है, ऑप्थैल्मिया, जीरो ZER, ये एक्स से शुरू होगा, ये भी याद रखना, XERO का मतलब होता है ड्राई, ड्राई हो जाना, ऑप्थैल्मिया लिखा है तो वो किससे रिलेटेड है, ऑप्थैल्मिक, ठीक है। ऑप्थैल्मो जब भी आता है तो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका आई से रिलेटेड, ठीक है, आई यानी आंखों से रिलेटेड है ये टर्म, ठीक है, ऑप्थैल्मिया, ठीक है, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट भी बोला जाता है आंखों के उसको डॉक्टर को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जीरोथैल्मिया मतलब जीरो मीन्स ड्राई, आंखें सूख जाना, सूख जाना बोलते हैं इसको, ठीक है, सूख जाना, क्लियर है। तो आंखों में क्या हो जाता है, सूखापन आ जाता है, उसको कहते हैं हम जीरोथैल्मिया, ठीक है। नाइट विजन इज पुअर, वेरी गुड, नाइट विजन किसमें कम हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों दूसरी, दूसरे वाले उस पे, नेक्स्ट हमारा है, अब हम मूव करेंगे, देखो ए लिखा है ना मैंने, अब बी पे आते हैं हम, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, विटामिन बी वन, सभी लिखेंगे विटामिन बी वन, बी वन, सभी बच्चे बताएंगे इसको क्या कहते हैं, सभी ने रट्टा मार लिया होगा, अब तो याद हो गया होगा सभी को, थायमीन की, थायमीन इसको बोला जाता है, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है। अब है इससे रिलेटेड जो बीमारी है वो क्या होती है बच्चों, तो सबको पता है बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है इससे, ठीक है, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है, क्या होता है बच्चों इसमें, इसके अंदर आपको आपका जो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अंदर आपकी जो सेल्स होती हैं उनमें क्या है, थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, और क्या होता है बच्चों, मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटल, मेंटल कंफ्यूजन बोल लो या रिटार्डेशन, कंफ्यूजन यानी दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है बेरी बेरी के अंदर, उसमें क्या होता है मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो, और क्या होगा आपको, आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, ठीक है, चल नहीं पाते, कोऑर्डिनेशन यानी कि जो आपका संतुलन है दिमाग का वो बिगड़ जाता है, ठीक है। इसमें आप बताओगे बेरी बेरी में क्या होता है, आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये इतना नहीं पूछता कोई भी डिटेल में, सिर्फ ये पूछा जाता है थायमीन जो होता है क्या होता है, या तो ये पूछा जाएगा, या विटामिन बी का बी वन का केमिकल नेम पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे थायमीन होता है विटामिन बी वन, और उसकी वजह से, उसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट, आप लिखेंगे बी टू लिखेंगे, ठीक है, राइबोफ्लेविन, सभी को इसका नाम पता होगा, राइबोफ्लेविन हम बोलते हैं इसको, और इसकी वजह से बच्चों क्या हो जाता है, तो आप लिखेंगे इसकी वजह से देखो क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, क्रैक्स, क्रैक्स कहाँ, स्किन में, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस जब भी आता है वर्ड, डर्म जब आता है ना बच्चों, तो वो होता है स्किन से रिलेटेड, यानी कि स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लस क्या होगी, आपके लिप्स की तरफ सूजन आ जाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोरनेस हो जाती है, क्लियर है सभी को। तो इसमें राइबोफ्लेविन में क्या होता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, डर्मेटाइटिस यानी डर्म, आपकी जो स्किन है उसमें थोड़े से क्रैक पड़ जाएंगे, आपके जीभ के अंदर थोड़ी सी मजेंटा सी हो जाएगी आपकी जीभ, ठीक है, मजेंटा, मजेंटा कलर है ये, ठीक है, मजेंटा कलर की क्या हो जाती है आपकी टंग, टंग कैसी हो जाती है, जीभ कैसी हो जाती है, मजेंटा कलर की हो जाती है, क्लियर है। अब ठीक है, अब इसमें इतना हो गया, अब लिखिए आप B3 लिखिए सभी लोग, B3 क्या होता है,
नियासिन, ये देखो इसके लिए एक और टर्म आ जाती है निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, पेलेग्रा हो जाता है, पेलेग्रा नाम की बीमारी, ठीक है। इसको पेलेजरा भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, पेलेजरा या पेलेग्रा, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो तीन डी याद रखने हैं आपको, ट्रिपल डी इसके फीचर है, ट्रिपल डी। इसके अंदर क्या होता है, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, पहले लिखिए डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। और आजकल आजकल रिसर्च आर्टिकल में और डॉक्टर्स को टेट्रा डी से डी फोर के नाम से भी जानते हैं, क्यों, लास्ट में लिख देते हैं डेथ, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चों, डायरिया, आपको उल्टी जो वोमिटिंग होती है, आपको मोशन हो जाते हैं, वो जाते हैं। डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है कि आपका आपका जो मेंटल, आप जो ब्रेन सेल्स है वो आपके काम नहीं कर रही है, और क्या होता है आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, भूलने वाली बीमारी, ठीक है, थोड़ा सा आप भूलने लगोगे चीजों को, याद नहीं रहेंगे, ठीक है। ठीक है, और क्या होगा, डर्मेटाइटिस, स्किन में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। डर्मेटाइटिस अभी बताया था मैंने, डर्म यानी स्किन से रिलेटेड, डर्म यानी ऊपर की त्वचा, ठीक है, तो डर्मेटाइटिस स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लास्ट में डेथ हो जाती है, ठीक है, पेशेंट की, इफ अनट्रीटेड, अगर उसका उपचार नहीं किया जाए तो मोशन हो जाएंगे यहां पर, वोमिटिंग हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो देखो बच्चों, इसमें ट्रिपल डी से याद रखोगे पेलेग्रा के लक्षण, या टेट्रा डी से याद रखोगे क्या क्या है, डायरिया हो जाएगा, डिमेंशिया भूलने वाली, डर्मेटाइटिस हो जाएगी स्किन की प्रॉब्लम, और फोर्थ में क्या लिखा है मैंने, डेथ, ठीक है, इफ पेशेंट अनट्रीटेड, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद करते हैं, इसको हम कहते हैं B3 या नियासिन या निकोटिनिक एसिड। नाउ हम मूव करेंगे बच्चों पेंटाथिनिक एसिड पे, B5 क्या होता है बच्चों, पेंटाथिनिक एसिड, इसमें जो लक्षण है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, इनसोमनिया हो जाता है, इनसोमनिया, ठीक है। इनसोमनिया क्या होता है कोई बताएगा कमेंट करके, इनसोमनिया का मतलब क्या लिखा है आप लोगों ने, क्या समझ में आता है आपको इनसोमनिया से, इनसोमनिया क्या होता है, इनसोमनिया का, ओके फर्स्ट क्लास है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा, यस, नींद से रिलेटेड, वेरी गुड देवाशीष। इसमें क्या होता है, इनसोमनिया में क्या होता है कि आपको नींद नहीं आती, ठीक है, इनसोमनिया को जाते हो, आजकल FB पे लोग लिखते हैं इन फीलिंग इनसोमनियाक, ठीक है, उसका क्या मतलब है कि आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, रात में नींद नहीं आ रही, ये कंडीशन है जिसमें आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, वेरी गुड, निद्रा डिजीज। और डिप्रेशन होने लगता है इसमें, किसकी वजह से, पेंटाथिनिक एसिड की कमी हो जाए, यानी कि विटामिन B5 की। और क्या होता है, डिप्रेशन होने लग जाएगा, फैटिग, आप थोड़े आलसी से लगोगे, आपसे उठने का मन नहीं करेगा या कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 6 नंबर पे डिजीज सभी लिखेंगे, B6, B6 का मतलब होता है पायरीडॉक्साइन या पायरीडॉक्सिन लिख लीजिए। पायरीडॉक्सिन क्या है, अच्छा इसकी वजह से क्या कमी होती है बच्चों, देखो अब जब हमारी बॉडी में B6 की कमी होगी, विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, एनीमिया, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, हम अब नेक्स्ट पे आइए, B7 को क्या लिखते हैं, बायोटीन लिखा जाता है,
सबको पता है बायोटीन, देखिए जब बाल झड़ जाते हैं ना लोगों के तो क्या होता है, B7 बायोटीन दी जाती है, बायोटीन की दवाई एज ए सप्लीमेंट, क्या हेयर लॉस, हेयर लॉस में और स्किन, स्किन भी अगर आपकी खराब हो रही है ठीक है तो यस एनीमिया इज खून की कमी ठीक है, अगर स्किन में भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या दिया जाएगा बच्चों, आपको बायोटीन दिया जाएगा। हेयर फॉल बोल रही हूं ठीक है, और स्किन में भी अगर थोड़ी सी रफ और ड्राई सी दिखती है तो भी उसमें क्या होता है आपको बायोटीन, यानी कि बायोटीन के कैप्सूल दिए जाते हैं ठीक है। अब लिखिए B9 ठीक है, नीचे ही लिख लीजिए, हाँ हेयर फॉल हो जाता है, विटामिन B9, B9 क्या होता है बच्चों, B9 सभी को पता होगा, फॉलिक एसिड बोलते हैं इसको, फॉलिक एसिड, और कई जगह इसको फॉलेट भी बोल दिया जाता है, फॉलेट ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, देखो बहुत जरूरी है जब हमारी बॉडी के अंदर बच्चों क्या होता है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो कौन सा एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपकी एनीमिया, आपकी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज का साइज क्या होता है आपका बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बहुत बढ़ जाता है, इंक्रीज लिख देती हूँ यहाँ, साइज क्या हो गया आपका बढ़ गया, और उसके बाद एक कंडीशन आती है कि वो बस्ट हो जाती है, वो फट जाती है, तो उससे क्या होगा आपकी आरबीसी अगर इसी तरीके से फॉलिक एसिड की कमी रही तो क्या हो गया बच्चों, आपको इसमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, इनडायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ खून की कमी हो जाती है इससे ठीक है। तभी तो देखो जब B9 कौन सा विटामिन बताया मैंने, फॉलिक एसिड, सबको पता है फॉलिक एसिड किस में दिया जाता है, प्रेगनेंसी में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि आपको खून की कमी ना रहे मदर को ठीक है। चलिए अब आता है B12 सभी लिखेंगे, विटामिन B12 इसको क्या बोलते हैं, सबको पता है साइनोकोबालमाइन, इसका नाम थोड़ा अलग सा है, साइनोकोबालमीन ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोबाल्ट मेटल होता है ठीक है, क्या होता है कोबाल्ट प्रेजेंट होता है ठीक है। और क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो इसकी वजह से क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या हो रहा था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, जो बीन फॉलिक एसिड B9 की वजह से हो रहा था, उसमें हो रहा था आपको, आपके आरबीसी क्या है बहुत बड़े बड़े, मेगालोब्लास्टिक, मेगा मतलब क्या होता है बढ़ जाना ठीक है, यहां पर्निशियस एनीमिया लिख रही हूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आरबीसी होती है वो क्या होती है आपकी ग्रो ही, वो आपकी मेच्योर नहीं होती है, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है बच्चों, आपकी जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, इमेच्योर रहती है, इमेच्योर, परिपक्व नहीं होती, इमेच्योर रहती है या कह सकते हो मेच्योर ही नहीं होती ठीक है, एक ही बात है। तो आरबीसी जब मेच्योर नहीं होगी तो उसमें भी आपको क्या है, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो इमेच्योर होती है ना आरबीसी, उनका जीवन काल भी फिर जल्दी वो उनकी डेथ भी हो जाती है ठीक है। अगर वो ज्यादा अच्छे से मेच्योर रहेंगी तो वो पूरा 120 डे सर्वाइव करेंगी और अच्छे से आपकी बॉडी में खून की कमी भी नहीं रहेगी ठीक है। अब आता है देखो, अब बी वाला कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे विटामिन सी, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी, और ये कैसे मिलता है देखो बच्चों, ये सिट्रस फ्रूट से मिलता है, सिट्रस कौन से, जो खट्टे होते हैं, विटामिन सी जो विटामिन सी जिनमें होता है, फॉर एग्जांपल आपके लेमन में हो गया, या आप वो बोले आंवला होता है उसके अंदर भी होता है ठीक है, आंवले के अंदर भी होता है, और किसमें होता है बच्चों, विटामिन सी की मैं बात कर रही हूँ, सिट्रस फ्रूट में होता है, आंवला हो गया ठीक है, लेमन हो गया, और किसमें हो सकता है, ये ऑरेंज के अंदर भी होता है ठीक है, संतरे के अंदर भी होता है, क्लास का वेरी गुड देवाशीष, एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है ठीक है, केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी से देखो क्या होता है, स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है,
सबको पता है स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, उसमें क्या होता है आपके जो स्कर्वी में क्या होता है, गम्स में ब्लीडिंग होने लग जाती है, गम्स मसूड़ों के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है, और क्या होगा सही से आपके मतलब इन्फेक्शन होने लग जाएगा, ठीक है, आपके अच्छे आपके टीथ में इन्फेक्शन होने लग जाता है, वुंड हीलिंग नहीं होती। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, एक तो होता है स्कर्वी हो जाता है जिसको कहते हैं गम्स में ब्लीडिंग होना, ठीक है, वुंड हीलिंग भी नहीं होती इसके अंदर, यानी कि आपका अगर कोई घाव है तो वो भी नहीं भरेगा, ठीक है, घाव नहीं भरता है अगर विटामिन सी की कमी होती है, घाव नहीं भरता। और क्या होता है इसमें, इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है वो भी डाउन चली जाएगी अगर विटामिन सी आप अच्छे से नहीं खा रहे हो। तभी सलाह दी जाती है सभी को विंटर्स के अंदर जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, कॉमन कोल्ड वगैरह जो बैक्टीरिया और वायरस हम पे अटैक करते हैं, जुकाम सर्दी खांसी लगती है, उस वजह पे सलाह दी, उस टाइम पे सलाह दी जाती है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, आंवला को आंवला खाइए विद शहद, ये सलाह दी जाती है, ठीक है, क्योंकि आंवला क्या होता है विटामिन सी से भरपूर होता है और वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब चलिए अब नेक्स्ट पे करेंगे हम, विटामिन सी हो गया, अब डी पे आ जाइए, सभी बच्चे लिखेंगे विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम कोई बताएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, देखते हैं कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चे पढ़कर आए हैं, पूजा थोड़ा सा गलत हो गया बच्चे, ये विटामिन ई है, टोकोफेरॉल क्या होता है विटामिन ई, मैं विटामिन डी पूछ रही हूं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल क्या होता है विटामिन डी होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों देखो, इसकी कमी से क्या होता है, एक तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, रिकेट्स में अंदर क्या होता है देखो बच्चों, देखो सबसे पहली बात है विटामिन डी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में समझ लीजिए कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए, इसको क्या कहते हैं सनशाइन विटामिन, सनशाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि सन रेज जो होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं वो जब हमारे स्किन पे पड़ती हैं एट ए 45 डिग्री एंगल पे, वो क्या करती हैं बच्चों, वो क्या बनाती हैं आपका कैल्सीफेरॉल, ऐसा कंपाउंड बनाती है विटामिन डी का जो आपकी बॉडी के अंदर क्या कराता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल लिख लो या कॉली कैल्सीफेरॉल, ये मैंने एक्चुअली एक शैशे का नाम लिख दिया जो कैल्सीफेरॉल नाम से आता है, और उसके अंदर क्या होता है आपका डायरेक्टली विटामिन बी आजकल शैशे की फॉर्म में आता है, विद इन ए वीक लेना पड़ता है, एर्गो कैल्सीफेरॉल वो D2 की फॉर्म है बच्चों, ये क्या है आपकी D3, ठीक है, जो D2 होता है वो भी क्या होता है उसकी प्रीवियस फॉर्म होती है, एर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं उसको, ठीक है, हमें क्या याद रखना है सिर्फ कॉली कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कॉली कैल्सीफेरॉल क्या हो गया आपका विटामिन डी हो गया, ठीक है, और ये कैल्सीफेरॉल जो मैंने लिखा है ये क्या है इस नाम से भी क्या बिकता है विटामिन डी, ठीक है, मार्केट में अगर सिंपली बोलोगे कैल्सीफेरॉल का शैशा चाहिए तो वो आपको विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल का शैशा दे देंगे, ठीक है, क्लियर है, क्या होता है रिकेट्स। अब बच्चों देखो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, आप क्या ले पाते हो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाते हो, आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम होगा ही नहीं 100% एब्जॉर्ब, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी का काम क्या होता है बच्चों, विटामिन डी का काम होता है आपके कैल्शियम को जो आप खा रहे हो, दूध आप जो पी रहे हो या फिर और भी कैल्शियम की चीजें खा रहे हो वो एब्जॉर्ब होंगी नहीं, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो क्या होगा रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, क्या प्रॉब्लम है बोन डिफॉर्मिटी यानी बोन में आपके प्रॉब्लम हो जाना, माल न्यूट्रिशन हो जाना, किससे, थैंक यू देवशीष, ठीक है, तो बोन डिफॉर्मिटी जब हो जाती है तो किड्स को क्या हो जाता है बोन उनके थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है बोन डिफॉर्मिटी बोल सकते हो या आप कह सकते हो सॉफ्टनेस ऑफ बोन,
बोन आपकी सॉफ्ट हो गई, ठीक है। कैसे हो गई? क्योंकि कैल्शियम मिला नहीं, और कैल्शियम क्यों नहीं मिला? विटामिन डी की कमी है, इसलिए कैल्शियम बॉडी में गया ही नहीं आपके, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ आपके, ठीक है। तो एक होता है बच्चों में जिसको कहते हैं रिकेट्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, बच्चों की बोन खराब हो जाती है पैर की। और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है? एडल्ट्स में, एडल्ट्स के अंदर होता है, बूढ़े व्यक्तियों में ज्यादा पाया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, ऑस्टियोमलेशिया में वही है कि ऑस्टियोमलेशिया है तो इसका क्या मतलब है, ऑस्टियो लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, ठीक है, और मलेशिया मीन्स कमी हो जाना, बोन में पोरोसिटी हो जाना, पोरोसिटी मतलब कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो कैसी हो जाएंगी बोन आपकी, सॉलिड नहीं रहेंगी, सॉफ्टन हो जाएंगी आपकी बोन, कैसी हो जाएंगी, बहुत कोमल हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू पूजा, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, देखो विटामिन, देखो बच्चों के सारे हमारे जो भी, देखो हमारी जितनी भी एंजाइम रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर, जितनी भी हमारी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारी बॉडी में बन रहा है, टूट रहा है, प्रोटीन के निर्माण के लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको विटामिन्स चाहिए होती है। जैसे मैंने पाइरिडॉक्सिन B6 लिखी है, वो क्या है, प्रोटीन के निर्माण के लिए भी जरूरी है, ठीक है। ये बहुत डिटेल स्टडी है, वो आगे वाली क्लासेस में आती है, MSc जो PhD वगैरह करते हैं उन लोगों की आती है, ठीक है। आपको सिर्फ यहां पर फोकस करना है, एक तो विटामिन कौन सी है, उसका केमिकल नेम, और उसकी डेफिशिएंसी का कारण क्या है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम शुरू हो रही है आपकी, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए इसको मैंने क्या बताया, सनशाइन विटामिन। अब आ जाइए बच्चों विटामिन ई की बात करेंगे हम, ठीक है। वो मैंने सारा रब कर दिया लगता है, यहां डेफिशिएंसी लग दीजिए, यानी कमी, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, मैंने क्या बताया विटामिन के, के क्या होता है बच्चों, टोकोफेरॉल, नहीं ये तो विटामिन ई होता है, ये होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के पढ़ रहे हैं अभी हम, लेकिन के से पहले तो हमें ई पढ़ना था, चलो हम ई बाद में डिस्कस कर लेंगे। फाइलोक्विनोन क्या होता है, देखो बच्चों विटामिन के क्या होता है, फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर कोई पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, तो आप क्या बताओगे, विटामिन के जरूरी है, किसके लिए, ब्लड के थक्के के लिए, यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए। अगर इनकेस हमारी विटामिन के जो है वो हमारी विटामिन के कम हो गई हमारी डाइट में, सॉरी डाइट से नहीं होती है, इंटरनल सिंथेसिस होता है इसका, ठीक है। तो हमारी डाइट में अगर विटामिन के कम हो गई तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा विटामिन के भी बच्चों क्या होती है, आपके सिंथेसाइज होती है बॉडी के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, आपके बैक्टीरिया से, ठीक है। बैक्टीरिया होते हैं हमारे जो पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, परजीवी यापन करते हैं, वो विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा एक नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई, लिखिए सभी लोग ई, इसको रिप्लेस कर लीजिए। ई क्या होता है बच्चों, विटामिन ई सबको पता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से बहुत फेमस है, ठीक है। ई ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्यों, सुंदरता के लिए जरूरी है, ठीक है, आपकी स्किन सुंदर बनाती है, आपके बाल सुंदर बनाती है, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, देखो एक तो होता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन अगर इसकी कमी हो जाए ना तो रिप्रोडक्टिव सेल्स अच्छे से नहीं बनते, और रिप्रोडक्शन का जो जनन का प्रोसेस है वो क्या होता है आपका, उसमें उसकी क्षमता में कमी आती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं स्टराइल हो जाना, जैसे बांझपन नाम की बीमारी होती है वो किसकी वजह से हो जाती है, विटामिन ई की। क्वेश्चन आता है स्टरिलिटी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कम हो जाना या स्टरिलिटी हो जाना, वो किस वजह से है बच्चों, वो आपका विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं एंटी स्टराइल विटामिन भी कहा जाता है, एंटी स्टराइल विटामिन, ठीक है।
क्लियर है इतना, सभी को क्लियर हो गया एंटी स्टराइल का क्या मतलब है, स्टराइल मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको लिखते हैं बांझपन, ठीक है। बांझपन की जो बीमारी होती है वो किससे होती है, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन ए क्या है, बहुत जरूरी विटामिन है फॉर आपके, किस लिए है बच्चों, आपके रिप्रोडक्शन की हेल्थ को बनाने के लिए। और देखो एक तो ये है, एक पॉइंट तो यहां ये टिक कर लीजिए, दूसरा लिखिए एक ब्यूटी के लिए भी होती है, ठीक है। कहते हैं ना जिसकी स्किन अच्छी है, कई लोग स्किन सुंदर करने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल खाते हैं, बालों को अच्छा बनाने के लिए कई आजकल तो पार्लर्स पे भी क्या है विटामिन ई के कैप्सूल लगाए जाते हैं, ठीक है, बालों के अंदर भी, ठीक है। तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन, ठीक है, ब्यूटी विटामिन होता है, ठीक है। हाँ जी, गंजापन जो होता है आपके बाल ज्यादा ग्रोथ कराने के लिए भी, उसके लिए भी क्या होते हैं, आपके ऑयल में मिक्स करके विटामिन ई के कैप्सूल आपके ऑयल की मसाज की जाती है, तो गंजापन की प्रॉब्लम दूर होती है, ठीक है। और क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है एग्जाम में, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो आप जनन की क्रिया है वो उसमें कमी आ जाना किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो विटामिन ए, बांझपन किससे हो जाता है, तो विटामिन ई की कमी से, ठीक है। तो ये सब याद रखना है हमें, ठीक है। तो बच्चों अभी देखो सब कुछ कवर हो गया है हमारा, अब हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। अभी हम यहां तक सारा हमारा कवर हम कर चुके हैं। क्या पूछा पूजा थोरी ने कि बी सेवन से क्या होता है जी, ठीक है। तो बी सेवन क्या है बच्चों, बायोटीन होता है, बायोटीन बी सेवन को बोला जाता है। देखो बी सेवन आप लिख दीजिए इसको विटामिन एच भी लिख सकते हैं, और इसका नाम क्या है, बायोटीन, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, इससे होता है आपको आपके हेयर फॉल हो जाएंगे, और क्या होगा आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देवशीष, देखो बच्चों सभी लोग मुझसे जुड़ने के लिए स्टे स्कॉलर पे मैं हूं, ठीक है। स्टे स्कॉलर मेरा एफबी का पेज है, फेसबुक का स्टे स्कॉलर, सभी लोग अगर जिनको कुछ मुझसे बात करनी है CHOLAR, ठीक है, जिनको कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो, ठीक है, तो इससे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्टे स्कॉलर STAY और SCHOLAR, स्टे स्कॉलर चित्रा वरुण के नाम से मैं हूं एफबी पे, ठीक है। ये मेरा पेज है फेसबुक का, ठीक है, इस पे मुझे आप जुड़ सकते हैं मुझसे, और इस पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्लास के बारे में, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इस पे मैं हूं फेसबुक स्टे स्कॉलर चित्रा वरुण के नाम से, ठीक है, क्लियर है। चलिए बच्चों आज हम यही फिनिश करते हैं, थैंक यू पूजा, सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आई, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।